हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज का हमारा टॉपिक है डाइजेशन एंड अब्सॉर्प्शन। मैं ये टॉपिक स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आप लोगों से कुछ बता देना चाहती हूं कि देखिए, बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें जाननी होती है। हमारी उत्सुकता क्या होती है, बढ़ती जाती है जब हम उस चीज़ के बारे में पढ़ते रहते हैं, राइट। लेकिन चूंकि अभी हमारा नीट 2020 का एग्जाम है और वो बहुत ही पास में है, तो बेटर होगा कि हम फोकस करें कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। और ज़्यादा पढ़ लेने से भी, मेरे ख्याल से ज़्यादा चीज़ें पढ़ लेने से आप कन्फ्यूज होने के अलावा और कुछ आपके साथ में नहीं होगा। फॉर द एग्जाम्पल, जैसे कि अगर आपने फास्ट किया हो, बहुत लंबे टाइम से खाना नहीं खाया और अचानक से आप बहुत हैवी फूड ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, इनडाइजेशन हो जाएगा, आप वो खाना पचा नहीं पाएंगे, राइट। तो बेटर क्या होता है, हल्का हल्का धीरे धीरे करके खाना खाइए तो वो आपके लिए बेटर होगा। तो वो स्टूडेंट्स भी हैं जो वीडियोस देख रहे हैं, जो मेरे ख्याल से अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए तो ये बेस्ट है कि आप इतना ही पढ़ें। और जो बच्चे नीट क्लियर करना चाहते हैं उनके लिए भी इतना ही है कि वो भी एनसीईआरटी ही पढ़े, क्योंकि इससे ज्यादा कुछ नहीं आता, ठीक है। चलिए इसके साथ हम हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, डाइजेशन एंड अब्सॉर्प्शन। तो देखिए, डाइजेशन एंड अब्सॉर्प्शन में सबसे पहली चीज, चूंकि इसका नाम है डाइजेशन, तो क्या होता है डाइजेशन। सो डाइजेशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम जो भी फूड लेते हैं उसका, उसमें प्रेजेंट जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं, लार्जर मॉलिक्यूल्स हैं, उनका ब्रेकडाउन होता है केमिकली एंड मैकेनिकली, और स्मॉल मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, उसको हम बोलते हैं डाइजेशन, ठीक है। हम देखो इस चीज में बोल सकते हैं कि लार्जर सब्सटेंसेस का स्मॉलर सब्सटेंसेस में जो है वो हम ये बोल सकते हैं कि ब्रेकडाउन जो है उसको हम बोल रहे हैं डाइजेशन। हम डाइजेशन करते क्यों हैं, क्वेश्चन ये आता है। तो डाइजेशन इसलिए करते हैं क्योंकि हम फूड खाते हैं, और फूड हम क्यों खाते हैं, क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए होती है। तो फूड जो हमें एनर्जी दे रहा है उसको हम डाइजेस्ट करते हैं। तो फूड में ऐसा क्या है जिसको हम डाइजेस्ट करते हैं, तो फूड के अंदर एनर्जी देने वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब वो मॉलिक्यूल्स कौन से हैं, नाउ क्वेश्चन अगेन। तो वो मॉलिक्यूल्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट, उसके साथ में फैट एंड प्रोटीन, ठीक है। ये हमें फूड से मिलते हैं, और इसी के साथ में हमें फूड से क्या मिलते हैं, विटामिन्स भी, और उसी के साथ में मिनरल्स भी हमें मिलते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं, तो इन सब के लिए जो हमें एनर्जी देते हैं उन सब के लिए हम फूड खाते हैं और फूड का डाइजेशन करते हैं। अगर आप हमारे बारे में बात करें एनिमल के अंदर, क्योंकि हम डाइजेशन भी किसके अंदर पढ़ने वाले, ह्यूमन के अंदर पढ़ने वाले हैं, तो आप जानते हैं कि हमारा नेचर कैसा होता है, हम जो है किस तरह क्या करते हैं, हमारा मोड जो होता है फूड लेने का वो क्या होता है, होलोजोइक मोड होता है। होलोजोइक का मतलब क्या हो गया, होलोजोइक का मतलब ये होता है कि डाइजेशन हम हमारी बॉडी के अंदर करते हैं। उसके कई हम बोलते हैं स्टेप्स होते हैं, क्या क्या स्टेप है। सबसे पहला स्टेप जो होता है वो होता है इंजेशन, जिसमें आप फूड को अंदर लेते हो। सेकंड स्टेप क्या होता है, वो जो फूड आपने लिया है उसका डाइजेशन होता है, यानी कि ब्रेकडाउन होगा। ब्रेकडाउन होने के बाद में जो डाइजेस्टेड फूड है उस फूड का एब्जॉर्प्शन होता है, और जो एब्जॉर्ब फूड है उस फूड का एसिमिलेशन होता है, इट मींस उसका यूटिलाइजेशन होता है बाय द सेल्स, बाय द टिश्यूज, बाय द ऑर्गन, राइट। तो उन सब का क्या होगा, यूटिलाइजेशन होगा। एंड जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसका क्या हो जाता है, इजेशन हो जाता है। यानी कि इन स्टेप्स के अंदर हम पूरे के पूरे फूड को हम यूटिलाइज करते हैं, बिकॉज हमारे न्यूट्रिशन लेने का ये तरीका है। इस तरीके को हम बोलते हैं होलोजोइक मोड। जबकि प्लांट्स के अंदर क्या होता है, प्लांट्स के अंदर ऑटोट्रॉफिक मोड होता है, वो फोटोसिंथेसिस शो करते हैं, तो वो हम प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिर हमने बोला कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, ये जो है ये फूड में हमें मिलते हैं। तो क्या ये सभी के सभी हमें एनर्जी देते हैं, नहीं। इनमें से कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन, ये तीनों हमें एनर्जी देने वाले सब्सटेंस है, जबकि विटामिन एंड मिनरल जो है ये प्रोटेक्ट होते हैं। प्रोटेक्टिव यानी कि ये बहुत ही कम क्वांटिटी में हमारी बॉडी में चाहिए। अगर ये नहीं होंगे तो डेफिशिएंसी जरूर हमारी बॉडी के अंदर डेवलप हो जाती है। जैसे आप पढ़ते हैं विटामिन ए की वजह से क्या आपको डिजीज हो जाती है, राइट। आपकी हम बोलते हैं कि हमारी जो आंखों की रोशनी है, हम बोलते हैं बहुत धीमी हो गई है क्योंकि विटामिन ए कम हो गया। विटामिन बी नहीं है तो बेरी बेरी हो गया, बाल वगैरह झड़ने लग जाते हैं, राइट। तो विटामिन बहुत कम क्वांटिटी में चाहिए, बट उसकी कमी से क्या हो जाती है, डेफिशिएंसी डेवलप हो सकती है। बट ये है प्रोटेक्ट
एक्टिव फूड, ठीक है, जबकि कार्बोहाइड्रेट फैट एंड ये क्या है, ये है प्रोक्सिमेट, यानी ये हमें एनर्जी देते हैं, एनर्जी हमें इनसे मिलती है, यानी कि हमें क्या कहना पड़ेगा, फूड किसको बोल रहे हैं, फूड वो सब्सटेंस है जिसके अंदर हमें दोनों ही तरह के प्रोडक्ट मिल रहे हैं, कौन कौन से, प्रोक्सिमेट भी और प्रोटेक्टिव भी, दोनों ही होते हैं। इसके साथ में वाटर, वाटर भी हम लेते हैं ना, रिक्वायरमेंट रहती है वाटर की, वाटर बहुत जरूरी है क्योंकि फूड डाइजेशन जो है वो वाटर की प्रेजेंस में ही होता है, क्योंकि डाइजेशन के लिए जो एंजाइम हमारी बॉडी के अंदर सीक्रेट होते हैं वो सभी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। इसी के साथ में देखिए, वाटर जो है वो हमारी बॉडी के अंदर वाटर लॉस जो होता है उसको रोकता है, ऐसा लिखा है आपकी एनसीईआरटी में, तो वाटर जो है वो प्रिवेंट नहीं करता, एनसीईआरटी में ये लाइन मुझे थोड़ी सही समझ में नहीं आती है, उन्होंने लिखा प्रिवेंट करता है डिहाइड्रेशन को, वो प्रिवेंट नहीं करता, हम ये कह सकते हैं कि वो उसको मैनेज करता है, बैलेंस करके रखता है, क्योंकि डिहाइड्रेशन तो आपकी बॉडी में होगा, ये कोई ऐसा हम बोलते हैं ना कि कवच नहीं है जो रोक ले पानी को, क्यूटिकल की तरह जैसे एक होता है ना आवरण नहीं है जो उसको प्रिवेंट कर ले, हाँ लेकिन ये कंपनसेट कर देता है, पानी का अगर लॉस होगा तो उसकी जगह अगर हम पानी अगर हम लेंगे तो वो उसको क्या हो जाएगा, बैलेंस करता रहेगा, जितना डिहाइड्रेशन होगा उतना पानी हम क्या करते रहेंगे हमारी बॉडी के अंदर हमारी सेल्स को प्रोवाइड करते रहेंगे, राइट। तो ये डिहाइड्रेशन जो है उसको बैलेंस करता है या फिर हम बोल सकते हैं कंपनसेट करता है, तो वो लाइन थोड़ी अलग है, अटपटी लगती है। चलिए नाउ कार्बोहाइड्रेट फैट एंड प्रोटीन, ये तीनों एनर्जी देने वाले सब्सटेंस है, तो अगर मैं ये बात करूं कि इन सब में मेन कौन सा फूड हमारा जो सोर्स है एनर्जी हमें देता है, तो हम बोलते हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो क्या है, वो है मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, है ना, ये सबसे ज्यादा हम जो है एनर्जी हमें किससे मिलती है या हम जिसको यूज करते हैं, तो वो कौन है, कार्बोहाइड्रेट, सबसे ज्यादा नहीं मिलती है, हम ये बोलते हैं सबसे पहले मेन सोर्स कौन सा है, किसको हम सबसे पहले यूज करते हैं, तो हम उसको यूज करते हैं कार्बोहाइड्रेट को। रीजन क्यों भाई हम कार्बोहाइड्रेट को यूज करते हैं, रीजन ये है क्योंकि ये सबसे चीपेस्ट होता है, सबसे सस्ता, अभी देखिए सस्ता हमने क्यों बोला, अभी अगर आप मार्केट में जाएंगे और आपको लड़कियों को कुर्तीज खरीदनी होगी या लड़कों को शर्ट खरीदने होंगे, तो हम कोशिश क्या करेंगे कि हमारी जो हमारी हम बोलते हैं नीड है वो भी पूरी हो जाए और हमें रुपए भी कम देने पड़े, ऐसी चीज हम लेना चाहेंगे कि नहीं लेना चाहेंगे, तो वही सेम चीज कॉन्सेप्ट कार्बोहाइड्रेट के केस में भी होता है, कार्बोहाइड्रेट को यूटिलाइज करने के लिए जितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट होती है उससे कहीं ज्यादा हमें ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट रहेगी अगर हम फैट को यूज करेंगे, तो ये हमें जहां कार्बोहाइड्रेट के एक मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए हम अगर 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल चाहिए, तो वही जिस भी तरह का फैटी एसिड होगा तो उसके लिए हमें उससे हो सकता है दुगना या तिगुनी जो है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि यहाँ पे हमें ज्यादा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल स्पेंड करने पड़ते हैं, इसलिए बेटर ऑप्शन क्या चूज करते हैं हम लोग, कार्बोहाइड्रेट को चूज करते हैं, तो सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट से लेते हैं, अगर हमारी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट पूरी तरीके से यूटिलाइज हो गया इन दैट केस हम क्या करते हैं फैट जो है उसको यूज करते हैं, और जब फैट भी हमें लगता है कि हमारी बॉडी ने पूरा यूटिलाइज कर लिया है इन दैट केस ओनली हम प्रोटीन को यूज में करते हैं। अगर कोई लेडी या कोई भी मैन अगर लंबे टाइम तक फास्टिंग करता रहे तो उसके अंदर प्रोटीन जो है ना इसकी डेफिशिएंसी डेवलप हो सकती है, हो सकती है, क्योंकि पहले 24 घंटे में 48 घंटे में तो वो अपने पूरे कार्बोहाइड्रेट को यूज कर लेगा एंड देन वो क्या करेगा अपने बॉडी के फैट को यूज करेगा, और हो सकता है बहुत लंबे टाइम तक अगर करता रहे तो वो प्रोटीन जो है उसका भी यूटिलाइजेशन स्टार्ट कर दे, तो प्रोटीन जो है ना वो सबसे लास्ट में यूज किया जाता है हमारी बॉडी के थ्रू, ठीक है। अब देखिए ये तीनों जो है इनमें सबसे सस्ता ये है, पर सबसे पहले हम सबसे ज्यादा इसी को यूज करते हैं, मैक्सिमम यूज करते हैं, बट सबसे ज्यादा हमें एनर्जी देता कौन है, तो सबसे ज्यादा हमें एनर्जी देता है फैट, कितनी एनर्जी देता है ये हमें, ये फैट हमें देता है 9.45 किलो कैलोरी पर ग्राम, ठीक है, जबकि प्रोटीन के केस में प्रोटीन हमें देता है 5.65 किलो कैलोरी पर ग्राम, और कार्बोहाइड्रेट ये हमें कितना देता है 4.1 किलो कैलोरी पर ग्राम, इतनी हमें एनर्जी देते हैं, इतनी कम देने के बावजूद भी इसको यूज करें क्योंकि सस्ता है। देखिए ये जो वैल्यूज हमने निकाली है ये वैल्यूज क्या है, ये इनकी कैलोरीफिक वैल्यू है, कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब क्या हुआ कि किसी आइडियल कंडीशन में 1 ग्राम फूड से हमें कितनी एनर्जी मिलती है उसको हम निकालते हैं आइडियल कंडीशन में, जैसे कि एक गाड़ी है उस गाड़ी के अंदर हम निकालते हैं ना कि गाड़ी जो है उसकी वो कितना एवरेज देती है, तो किसी भी गाड़ी का एवरेज कब लिया जाता है, जब कंडीशन क्या होती है
आइडियल होती है, यानी कि जैसे एक रोड जो होगी वो हम ये बोलते हैं कि बहुत ही अच्छी स्मूथ रोड होगी, स्पीड ब्रेकर्स उसके अंदर नहीं होंगे, उस पर क्या होता है उस रोड को छोड़ उस गाड़ी को चलाने के लिए छोड़ देते हैं, तब वो अपनी जो है एवरेज जो देती है उस एवरेज को हम लोग हम राइट एवरेज उसको नहीं मानते। हम जब भी गाड़ी खरीदने जाते हैं तो अगर वो हमें बताता है कि 20 की एवरेज देता है या 30 की एवरेज देता है तो हम उसे 2-4 कम ही मान के चलते हैं, क्योंकि हमें पता है क्योंकि ये तो जो एवरेज निकाली गई है वो आइडियल कंडीशन में निकाली है, लेकिन इसकी एक्चुअल कब आएगी एवरेज? एक्चुअल एवरेज जब आएगी जब उसको हमारे गड्ढों वाली रोड पे छोड़ दिया जाएगा, जब बहुत सारी गाड़ियां आगे आएगी और बार बार ब्रेक लगाना पड़ेगा, तो उस कंडीशन के अंदर जो एवरेज निकलती है वही क्या होती है? राइट एवरेज होती है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फिजियोलॉजिकल वैल्यू, यहां पर हम उसको फिजियोलॉजिकल वैल्यू बोलेंगे। तो कैलोरीफिक वैल्यू है ये, तो आइडियल कंडीशन के अंदर वैल्यू है, बट हमारी बॉडी में तो इनको बहुत सारी चीजों का सामना करना है। तो प्रोटीन हमें कितनी देता है? 5। फैट हमें कितनी देता है? 9। और कार्बोहाइड्रेट हमें कितनी देता है? 4 किलो कैलोरी पर ग्राम एनर्जी। समझ में आया? तो कैलोरीफिक वैल्यू से रिलेटेड पूरा का पूरा एक ब्लॉक आपके एनसीईआरटी के अंदर दिया गया है, और उसको आपको क्लियर कट याद रखना है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं चूंकि एनसीईआरटी में मेंशन है, इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा, इतना ही आपको ध्यान रखना है। तो ये हुआ आपका डाइजेशन चैप्टर स्टार्ट। ठीक है, अब देखिए चूंकि हम हायर एनिमल्स हैं तो हमारे अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। ठीक है, तो हम ये बोल रहे हैं कि हमारे अंदर क्योंकि अब ऑर्गन फॉर्म हो गया और ऑर्गन्स ने मिलकर एक सिस्टम पूरा डेवलप कर लिया है, तो देखिए हमारे इस डाइजेस्टिव सिस्टम के दो पार्ट है, एक है एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा पार्ट क्या होता है? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, जिसके अंदर से रिलीज होते हम ये बोलते हैं सीक्रेट होते हैं, जिनसे डाइजेस्टिव जूस हम ये बोल सकते हैं कि जो डाइजेशन के जो एंजाइम चाहिए वो एंजाइम सीक्रेट होते हैं, जिसकी वजह से फूड का डाइजेशन होता है। तो दो पार्ट में हम स्टडी करेंगे हमारे सिस्टम की। पहला एलिमेंट्री कैनाल। तो एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है? एलिमेंट्री कैनाल एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है जो स्टार्ट होती है फ्रॉम द माउथ और कंप्लीट होती है कहाँ पे? एनस पे। उसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, अगर आप लोगों को पूरा का पूरा ऑर्गन्स पॉइंट टू पॉइंट याद रखना है तो ध्यान रखिए, तो ये जो माउथ होता है ये माउथ किस में ओपन हो रहा है? ये देखिए एक हम ये बोल सकते हैं केज लाइक स्ट्रक्चर में ओपन हो रहा है, जिसको ओरल कैविटी बोलते हैं, बक्कल कैविटी भी बोलते हैं। जो भी स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को बोल रही हूँ जो टर्मिनोलॉजी एनसीईआरटी में दी है उतनी याद कर लीजिए, ज्यादा याद नहीं हो रही है तो रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, आपको यही टर्मिनोलॉजी यूज करते हुए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ओरल कैविटी जो है उसके अंदर माउथ जो है ओपन होता है, देन ये ओरल कैविटी जो है वो एक इस तरह से वी शेप फेरिंग्स के अंदर ओपन होती है। फेरिंग्स जो है वो कॉमन पाथवे होता है फॉर द एयर एंड फूड। रीजन, क्योंकि हमारी नेजल कैविटी भी फेरिंग्स में ओपन होती है और हमारी बक्कल कैविटी भी फेरिंग्स में ओपन होती है, और ये फेरिंग्स जो है ये भी आगे जाके दो ही हम ये बोलते हैं ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में ओपन होता है। एक तो ये ओपन होता है किसके अंदर? ट्रैकिया के अंदर। ये ट्रैकिया जो है ये तो रेस्पिरेटरी पाथवे है। ठीक है, जिसके ऊपर एक हम बोलते हैं कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है जिसको हम बोलते हैं ग्लॉटिस, ये सॉरी एपिग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस जो है, और इसका जो ये पोर है जिसके थ्रू ये फेरिंग्स में ओपन है ट्रैकिया, उसको हम बोलते हैं ग्लॉटिस। तो एपिग्लॉटिस ये फ्लैप है जो उस ग्लॉटिस को यानी कि बंद कर देता है। जब भी फूड आप खाओगे तो एपिग्लॉटिस से वो ग्लॉटिस बंद हो जाएगा, ट्रैकिया वाला ट्यूब जो है वो बंद हो जाएगा, तो फूड आपकी ट्रैकिया में नहीं जाकर एंटर करेगा, आपके ईसोफेगस में। तो देखिए फेरिंग्स ओपन हो रहा है ईसोफेगस में, जब पूछे डाइजेशन का पाथवे तो आपको फेरिंग्स को ईसोफेगस में ओपन करना है। राइट, ईसोफेगस एक हम ये बोलते हैं ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो कि पूरे हमारे थोरेसिक कैज में से होते हुए देखिए डायफ्राम के नीचे जाकर हम ये बोलते हैं जे शेप एक सैक में एक थैले जैसी संरचना है उस स्ट्रक्चर के अंदर ओपन हो जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्टमक बोलते हैं। स्टमक के अंदर फूड 2-4 घंटे तक रहता है और यहाँ पर डाइजेशन होता है, केमिकल भी होता है मैकेनिकल डाइजेशन भी होता है। यहाँ पर मसल्स जो है वो पेरिस्टलिस मूवमेंट करती है, ईसोफेगस में भी करती है, ये बातचीत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टमक जो है फिर ओपन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पोर्शन है, याद रखिए। सबसे पहला ये सी शेप जिसको हम बोलते हैं डूडेनम, देन आता है हमारा हाईली कॉइल्ड, देखिए ये एरिया ट्यूबुलर जिसको हम बोलते हैं जेजुनम, एंड ये जेजुनम जो है वो इलियम के अंदर ओपन होता है। ठीक है, तो 3 पोर्शन आए, डूडेनम, जेजुनम एंड इलियम, इन तीनों को हम क्या बोलते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों बोला? क्योंकि उसका हम ये बोलते हैं डायामीटर निकाले तो वो क्या होता है? छोटा होता है, लेकिन साइज तो बहुत ही लंबा होगा। देन ये आपका इलियम जो है वो ओपन होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन जो है
क्योंकि उसका क्या है डायमीटर आपको बड़ा दिखेगा। अगर आप देखोगे तो ये एक बंद हम ये बोलते हैं कि एक ब्लाइंड सैक के अंदर ओपन होती है जिसको हम बोलते हैं सिकम। सिकम से एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकलता है जिसको बोलते हैं वर्मी फ्रॉम अपेंडिक्स। एंड ये सिकम जो है वो कॉलन के अंदर ओपन होता है। कॉलन जो है वो ट्यूबुलर मेन पार्ट बनाती है और ये खुद भी चार पार्ट में डिवाइडेड है। सिकम फिर ओपन होगा किसके अंदर, असेंडिंग कॉलम के अंदर। देन असेंडिंग जो है वो ओपन हो रही है कहां, ट्रांसवर्स में। देन ट्रांसवर्स जो है वो ओपन हो रही है किसमें, डिसेंडिंग कॉलम में। एंड ये इस तरह से घुमाव वाली जो है इसको हम बोलते हैं सिग्मोइड कॉलम, जो ओपन होगी किसमें, रेक्टम में। और रेक्टम एक पोर जिसको एनस बोलते हैं उसके थ्रू बाहर ओपन हो जाता है। तो ये सीरीज जो है ना सिक्वेंस में ऐसे ही आप याद रखेंगे किसको, डाइजेस्टिव सिस्टम को। कई बार यही डायग्राम देख के आपको लेबलिंग के साथ में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एंड सम टाइम आपको पाथवे भी पूछ सकते हैं कि फूड का पाथवे क्या है, कैसे जाएगा, कौन सा किसके बाद है, ठीक है। तो आपको ये याद होना चाहिए। तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आप याद रखेंगे। इसी के साथ में देखिए सलिवरी ग्लैंड्स जो हमारी बक्कल कैविटी में ओपन होती है वो कौन कौन सी है, देखिए सब मैक्सिलरी एंड सब लिंगुअल ग्लैंड्स। दो तो आपकी कहां है, ये यहां पे इस नीचे रीजन में है, ठीक है, सब मैक्सिलरी सब लिंगुअल। और पैरोटिड जो है वो कहां है, आपके कान वाले एरिया में, ठीक है ना, तो कान के नीचे। तो तीन तरह की सलिवरी ग्लैंड्स होती है, पैरोटिड, सब मैक्सिलरी, सब लिंगुअल, इनको हम आगे डिस्कस करेंगे। फिर लीवर जो है एंड गॉल ब्लैडर वो भी एक कॉमन डक्ट के थ्रू पैनक्रियास के साथ में ड्यूडेनम पार्ट के अंदर ओपन होता है। पैनक्रियास तीसरी हमारी क्या है, अब हमारी डाइजेस्टिव ग्लैंड है। तो हम इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे, सलिवरी ग्लैंड के बारे में भी, लीवर के बारे में भी एंड पैनक्रियास के बारे में भी, ठीक है। ये ड्यूडेनम में ओपन होते हैं तीनों ही। तो ये हुआ आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। क्लियर हुआ आप लोगों को पूरा का पूरा ट्रैक, सारे ऑर्गन कौन सा किसके बाद में आता है। चलिए लेट्स स्टार्ट, आगे हम लोग देखते हैं। फिर आ जाता है डेंटिशन। अभी देखिए बक्कल कैविटी के अंदर एनसीईआरटी के अंदर सारी चीजों के बारे में मेंशन नहीं है, ठीक है। तो अब पैलेट है उसका, हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट, ये सब चीजें उसके ऊपर रगी प्रेजेंट होती है, सब चीजें आपको ध्यान रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, एनसीईआरटी ने नहीं दिया, क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। टंग जो होती है उसके बारे में इतना ही लिखा गया है एनसीईआरटी के अंदर। टंग जो होती है वो मस्कुलर स्ट्रक्चर है और उसके अपर सरफेस पे पेपलीज प्रेजेंट होती है, ठीक है। इन पेपलीज के बेस पे टेस्ट बड्स लगी होती है जिसके थ्रू हमें कोई भी फूड सॉल्टी है, सॉर है या बिटर है, कैसा भी है, उसका टेस्ट हमें मिलता है, ठीक है। इसके अलावा ज्यादा मेंशन नहीं है तो ना ही पूछा जाएगा, तो इतना ही याद रखिए। अब बेवजह फिलीफॉर्म, सर्कुमवेलेट और फंजीफॉर्म, ये सारी पेपलीज के बारे में याद रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। देन आता है टिथ। देखो टिथ के बारे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज उसमें दिया है, तो जितना दिया है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए ये है आपका डेंटिशन। डेंटिशन का मतलब क्या होगा, टिथ का अरेंजमेंट। तो ये आपके जॉज के अंदर टिथ का अरेंजमेंट जो है वो शो करता है ये डायग्राम। चार तरह के टिथ है, इंसीजर्स, कैनाइंस, प्री मोलर्स एंड मोलर्स, इसी तरीके से अरेंज रहते हैं। इंसीजर सबसे आगे है, किसके लिए होते हैं भाई ये, काटने के लिए, राइट। और उसके बाद में आते हैं कैनाइंस, चीरने के लिए, फाड़ने के लिए ना। और उसके बाद में आते हैं प्रीमोलर एंड मोलर जो अच्छे से च्यू करने के लिए, चबाने के लिए प्रेजेंट होते हैं। तो ये चार तरह के क्या है हमारे अंदर टिथ प्रेजेंट होते हैं। नाउ कुछ टर्मिनोलॉजी जो पूछी जाती है उसके बारे में ध्यान दीजिए कि क्या क्या है। एक कंडीशन होती है थीकोडोंट। हम बोलते हैं ह्यूमन के टिथ जो होते हैं वो क्या होते हैं, थीकोडोंट। क्या होता है भाई थीकोडोंट, थीकोडोंट का मतलब हुआ कि टिथ जो होते हैं वो कंप्लीटली जॉस के अंदर क्या होते हैं, धसे हुए होते हैं, उसको थीकोडोंट बोलते हैं। उसी के साथ में बोलते हैं हिट्रोडोंट। हिट्रोडोंट क्या कंडीशन है, यानी कि अलग अलग प्रकार के टिथ की प्रेजेंस, जैसे कि हमारे अंदर चार तरह के टिथ है, राइट। ऐसे ही होमोडोंट कंडीशन भी होती है, बेल के अंदर प्रेजेंट होती है, बट वो चूंकि हमें दिया नहीं है तो डिटेल में जाना नहीं है। चलिए हिट्रोडोंट के बाद में कंडीशन आ जाती है कि हमारे जो टिथ होते हैं उसके अंदर दो तरह के हमें टिथ मिलते हैं देखने के लिए। एक तो होते हैं टेम्पररी, या फिर हम उसको बोल सकते हैं कि मिल्की टिथ, और दूसरे जो टिथ होते हैं वो होते हैं हमारे परमानेंट टिथ, या फिर हम उनको बोल देते हैं कि हाँ भाई ये एडल्ट टिथ है। तो क्या डिफरेंसेस हैं टिथ के अंदर और क्या होते हैं। तो देखिए मिल्की टिथ का मतलब ये हो गया कि वो टिथ जो क्या होते हैं हमारे, हम ये बोलते हैं कि जब हम बच्चे होते हैं तो चाइल्ड के अंदर जो होते हैं डेवलप होते हैं जो टिथ। एंड देन वो टिथ टेम्पररी इसलिए बोला गया है, मिल्की तो इसलिए बोला है क्योंकि बचपन में लगे सबसे पहले आते हैं, और टेम्पररी इसलिए बोला है क्योंकि वो एक बार आने के बाद में टूट जाते हैं एंड देन दोबारा से आते हैं, ठीक है। तो उन टिथ को हम बोलते हैं टेम्पररी या फिर मिल्की टिथ। एक होते हैं परमानेंट, या फिर हम ये उसको बोलते हैं एडल्ट टिथ, जो हम ये बोलते हैं कि एक बार ही आते हैं, या फिर हम ये बोलते हैं कि जो टिथ जो है हमारी एडल्ट फेज के अंदर जो आते हैं उन टिथ को हम बोलते हैं। तो ये दो तरह के टिथ जो है वो हमारे मेंशन है एनसीईआरटी में। अभी देखिए कौन कौन से, इंसीजर्स डाइफोडोंट होते हैं, दो बार आते हैं हमारी लाइफ में। कैनाइंस ये भी दो बार आते हैं, ठीक है। प्री मोलर केवल एक बार ही आते हैं लाइफ के अंदर। एंड जो ये लास्ट मोलर होता है
जिसको हम विजडम टीथ बोलते हैं, ये भी क्या होता है, एक बार ही आता है, ठीक है। बाकी ये दोनों मोलर जो है फर्स्ट एंड सेकंड, ये दोनों मोलर जो है ये दो बार आते हैं, ठीक है। तो इन टीथ को हम क्या बोलेंगे कि ये कैसे है, डाइफोयोडोंट कंडीशन हो गई। डाइफोयोडोंट का मतलब जब दो बार अपनी लाइफ में दो बार टीथ आते हैं, तो कौन कौन से टीथ है वो जो दो बार आते हैं, इंसिजर्स, कैनाइंस एंड मोलर्स। एक बार ही कौन से आते हैं, प्री मोलर एंड विजडम टीथ जो है आपका लास्ट मोलर जो होता है, ठीक है। तो हमारी टीथ कैसे होते हैं, डाइफायोडोंट फायोडोंट कंडीशन देखने को मिलती है। चलिए उसके बाद में नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में हम बोलते हैं डेंटल फॉर्मूला। हम हमारे जो टीथ होते हैं तो उसका कोई भी जो जबड़ा ले लीजिए, चाहे ऊपर वाला या नीचे वाला, अगर उसके आधे का हम क्या करते हैं फॉर्मूला बनाते हैं कि उसके ऊपर वाले जबड़े में और नीचे वाले जबड़े में कितने टीथ होते हैं। जैसे कि मैंने हाफ ले लिया ये पोर्शन, ठीक है। तो देखिए इंसिजर्स कितने हैं, नीचे कितने हैं, दो है, और दो ही कहां होंगे, ऊपर होंगे, ठीक है। तो अपर जॉस के अंदर एंड लोअर जॉस के अंदर, ठीक है, दो है। कैनाइंस कितने हैं भाई, कैनाइंस यहाँ पे नीचे एक है, ऊपर भी क्या है, एक है। प्री मोलर्स कितने हैं, दो, ऊपर भी दो नीचे भी दो। और मोलर्स कितने हैं, ऊपर भी तीन नीचे भी तीन, ठीक है। तो 2 1 2 3, ये जो हम फॉर्मूला लिख रहे हैं 2 1 2 3, इसको हम क्या बोलते हैं, डेंटल फॉर्मूला बोलते हैं। यानी कि हमारे अपर एंड लोअर जॉस के आधा आधे भाग के टीथ जो है उनको फॉर्मूला में, उनके नंबर्स को लिखा जाए तो उस लिखने को हम क्या बोलेंगे, डेंटल फॉर्मूला। तो 2 1 2 3 जो है वो हमारा डेंटल फॉर्मूला होता है। टोटल कितने टीथ होते हैं, 32 टीथ होते हैं। इसके अलावा चाइल्ड के बच्चों में, बच्चों का डेंटल फॉर्मूला या फिर उनके अंदर कितने टीथ होते हैं, ये सब कुछ चीजें एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, तो इसके बारे में पूछा भी नहीं जाएगा, ठीक है। तो उस चीज को आप स्किप कर सकते हो। वैसे ध्यान रखना चाहो तो देन बना सकते हो कि हमें प्री मोलर्स जो है वो प्रेजेंट नहीं है, लास्ट भी नहीं है, तो फॉर्मूला क्या होगा, 2 1 2 2 1 2, है ना, इस तरीके से ये फॉर्मूला बन जाएगा। और हम इसको 2 1 2 कंडीशन में क्यों लिखते हैं, रीजन ये कि अगर हम चाहते तो यहाँ पे जीरो भी लगा के लिख सकते थे ना, जीरो का मतलब हुआ कि प्री मोलर्स नहीं है, बट ये लिखना सही नहीं होगा। इसका मतलब तो ये हुआ कि वहां पे खाली स्पेस होता है, बट ऐसा हमारे अंदर नहीं होता। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, ये जो दो टिथ के बीच में जो स्पेस रह जाता है उसको हम बोलते हैं डायस्टमा, है ना, ये जो हमारे अंदर नहीं होता। इस वजह से हम फॉर्मूला को ऐसे नहीं लिखते, हम इसके अंदर से सीधा ही इसको लिखते हैं 2 1 2 1, है ना, हम सीधा ही उसको लिख देते हैं। चलिए 2 1 2 1 2 2 1 2, हम ऐसे ही सीधा इसको लिख देंगे, ठीक है। बट ये क्वेश्चन में नहीं पूछा जाएगा, एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है। चलिए उसके बाद में आ जाते हैं कि टीथ जो होते हैं इनका जो अपर एरिया होता है वो क्या रहता है, कवर्ड रहता है किससे, एक हार्ड सब्सटेंस है जिसको हम क्या बोलते हैं, इनेमल। तो ये क्वेश्चन जरूर पूछ सकते हैं कि इनका जो अपर एरिया है वो क्या होता है, क्राउन पार्ट जो होता है वो एक हार्ड सब्सटेंस से कवर्ड रहता है, तो वो कौन सा सब्सटेंस है, उसको हम बोलते हैं इनेमल। तो ये एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बाकी डेंटल का पूरा स्ट्रक्चर आपके एनसीईआरटी ने नहीं दिया, ना ही पूछा जाएगा, तो आप उसको स्किप कर सकते हो, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि सिर्फ इनेमल के बारे में दिया, हार्डेस्ट सब्सटेंस, और वो क्या करता है, तो वो हमें फूड को चबाने में हेल्प करता है, ठीक है। देन देखिए आपका जो आपका इसोफेगस है, इसोफेगस आपका बकल कैविटी फेरिंग्स में, एंड फेरिंग्स इसोफेगस में, और इसोफेगस स्टमक के अंदर ओपन होता है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ी जानकारी एनसीईआरटी में दी है, तो आपको पढ़ना जरूरी है। स्टमक जो होता है जे शेप है, है ना, डायफ्राम के, हम ये बोलते हैं कि हमारे जो लेफ्ट साइड होता है लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है डायफ्राम के नीचे। फिर देखो जो आपका स्टमक है वो चार पार्ट में डिवाइडेड होगा, किस किस में, कार्डियक, फंडस, मेन बॉडी एंड पायलोरिक, ठीक है। अब यहां पर भी क्या होते हैं, कुछ स्फिंक्चर होते हैं, ये स्फिंक्चर जो होते हैं फूड की बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर जो मूवमेंट होता है उसको रोकते हैं। तो यहां जो स्फिंक्चर होगा उसको हम बोलते हैं कार्डियक स्फिंक्चर, और जो पायलोरिक और हमारी जो ड्यूडेनम है उसके बीच में जो स्फिंक्चर होगा उसको हम बोलेंगे पायलोरिक स्फिंक्चर। तो यहां स्फिंक्चर प्रेजेंट होते हैं। स्टमक के अंदर फूड का डाइजेशन होता है, यहां पर डाइजेशन मेनली किसका होता है, प्रोटीन का होता है, स्मॉल क्वांटिटी में, हम बोलते हैं कि लाइपेज जो है वो भी सीक्रेट होता है, तो इसलिए फैट का भी हल्का फुल्का डाइजेशन जो है वो हमारे स्टमक के अंदर होता है, ठीक है। तो स्टमक के बारे में ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना है, चूंकि एनसीईआरटी ने दिया है। इसके अलावा चीजें अगर कुछ और आपने याद किए तो उसको आप स्किप कर सकते हो इस स्टेज पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हम कह रहे हैं कि जो हमारा स्टमक है वो आगे ओपन हो रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसके तीन पोर्शन ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम है। क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं, देखिए क्वेश्चन यही पूछ सकते हैं कि ड्यूडेनम कैसी है स्ट्रक्चर, सी शेप्ड होती है, जेजुनम मिडल का पोर्शन है, ठीक है ना, लॉन्ग लंबा होता है,
कॉइल्ड होता है, सबसे ज्यादा तीनों में कॉइलिंग किसमें मिल रही है? ईलियम में। तो हाईली कॉइल्ड कौन सा है? तो वो है ईलियम, ठीक है, वो याद रखना है। अब बनाते तो मैक्सिमम पोर्शन हम जेजुनम का है, इधर हमारा कॉन्सेंट्रेशन नहीं जाता, तो ध्यान रखिए हाईली कॉइल्ड पूछे तो आंसर क्या होगा? ईलियम, ठीक है। तो ये इतना ही एनसीईआरटी ने दिया है, हमें उतना ही पढ़ना है। देन ये हमारा ईलियम जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में ओपन हो रहा है, ये हमने डिस्कस किया है। वर्मी फ्रॉम अपेंडिक्स जो है ये वेस्टिजियल है, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते, हम ये बोलते हैं कि प्रेजेंट होते हैं, जो एक्चुअल में पहले तो सेलुलोज की डाइजेशन जो है वो करते थे, ठीक है ना। चूंकि अब हम लोग तो फूड को पका के खाते हैं, देन अब ये क्या हो गया? वेस्टिजियल ऑर्गन के फॉर्म में प्रेजेंट है। चलिए उसके अलावा अपेंडिक्स अगर हो जाए तो क्या इसको रिमूव, सर्जिकली रिमूव कर दिया जाता है? और ये सब चीजें जो कहानियां आप पढ़ते हैं ना उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, छोड़ सकते हो, यहाँ पे स्किप कर सकते हो। तो यहाँ पे बस लेकिन ये जो डायग्राम है उसको याद रखना जरूरी है, ये एनसीईआरटी ने हमें दिया है। तो असेंडिंग देन ट्रांसवर देन आपकी डिसेंडिंग सिग्मोइड कॉलन, कॉलन के बारे में याद रखिए। अब कॉलन के अंदर होस्ट्रा प्रेजेंट होते हैं, या फिर जो असेंडिंग और ये जो पोर्शन है ये थोड़ा नीचे होता है क्योंकि यहाँ लीवर ज्यादा बड़ा होता है, जबकि अगर हम देखेंगे ट्रांसवर एंड डिसेंडिंग जो आपकी कॉलन है वहां वो हिस्सा थोड़ा ऊपर की तरफ उठा हुआ होता है। तो ये सब चीजें हम लोग जानकारी हासिल करने के लिए पढ़ सकते हैं, बट यहां पर आप उसको स्किप कर सकते हो क्योंकि ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाएंगे माइंड के अंदर। चलिए नाउ एलिमेंट्री कैनाल उसका टीएस सेक्शन अगर देखें तो कौन कौन सी लेयरिंग हमें देखने को मिलेगी? आउटर मोस्ट सीरोसा होती है। सीरोसा एक्चुअल में है क्या? सीरोसा एक्चुअल में विसरल ऑर्गन की जो हम बोलते हैं ना एंडोथीलियम होती है, एक लेयर होती है जो किसकी बनी होती है? स्क्वैमस एपिथीलियम की बनी होती है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने एपिथीलियम के टाइम पे भी पढ़ा था कि बॉडी कैविटी की लाइनिंग जो होती है वो कौन बनाता है? हमारी सिंपल स्क्वैमस एपिथीलियम बनाती है। तो ये सीरोसा वही लेयर है जो सबसे आउटर होती है। उसके बाद में आती है मस्कुलरिस। मस्कुलरिस जो लेयर होती है इसमें मसल्स प्रेजेंट होती है फॉर द पेरिस्टेलिस मूवमेंट, क्योंकि फूड को आगे की तरफ धकेलना है। तो यहां पर दो तरह की मसल्स हैं, एक तो क्या होती है? सर्कुलर होती है, पूरे के पूरे अगर इस तरह से बनाए तो वो सर्कुलर होंगी। और एक होती है ट्यूब, क्योंकि ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है ना हमारी एलिमेंट्री कैनाल, तो एक होती है लॉन्गिट्यूडिनल। तो लॉन्गिट्यूडिनल और सर्कुलर जो मसल्स होती है उनकी लेयरिंग मिलती है, ठीक है। अभी आपको ध्यान रखना है कि कौन सी इनर और कौन सी आउटर। तो आउटर जो होती है वो लॉन्गिट्यूडिनल होती है और इनर जो होती है वो क्या होती है? सर्कुलर होती है। बट जो स्टमक पोर्शन होता है ना उसमें इन दोनों के बीच में हम एक लेयर और बना देते हैं और वो होती है ऑब्लिक्यू, ठीक है। तो ऑब्लिक्यू जो है वो लेयर भी मिलती है मसल्स की। तो उसमें सर्कुलर सबसे अंदर, बीच में ऑब्लिक्यू एंड लास्ट के अंदर क्या होगी? सर्कुलर होगी, सॉरी लॉन्गिट्यूडिनल होगी। तो उस चीज को आप ध्यान रखिए। तो मस्कुलरिस में मसल्स प्रेजेंट होती है, ये एनसीईआरटी में मेंशन है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसके बाद में आती है सबम्यूकोसा। सबम्यूकोसा जो है वो लेयर जिसमें ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स जो है वो प्रेजेंट रहती है, यानी विसरल पार्ट है यहाँ पे जो है, ये हमें नर्व्स जो है वो हमें यहाँ पे मिलती है। म्यूकोसा देन सबसे इनर लाइनिंग है, इसमें म्यूकोसा जो है इसमें ग्लैंड्स प्रेजेंट हो सकती है, ठीक है। और इसके अलावा म्यूकोसा जो होती है उसको हमें बोलते हैं कि विलाई प्रेजेंट होती है उसके अंदर, क्योंकि एब्जॉर्प्शन भी करना होता है। म्यूकोसा वो लेयर है जिसके अंदर फोल्ड्स भी मिल सकते हैं, फोल्ड्स जैसे कि जिनको हम रग्गी बोलते हैं, अगर वो जो हमारे स्मॉल स्टमक के अंदर प्रेजेंट होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी रग्गी प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो वो फोल्ड्स होते हैं जो कि म्यूकोसा में प्रेजेंट होते हैं, ये देखिए ये फोल्ड्स जो है वो बनाए हैं। तो ये माइक्रो विलाई नहीं है, ये जो फोल्ड्स बनाए ना ये फोल्ड है, इनको रग्गी बोलते हैं, ठीक है। ये फोल्ड तो क्या होंगे, जैसे कि ये लेयर है इस तरह से फोल्ड हो गए। अब इनकी जो लेयर है इन पर क्या होते हैं फिर फिंगर जैसे प्रोजेक्शंस होते हैं, उनको माइक्रोविलाई बोलते हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो उससे क्लियर रखिएगा। तो म्यूकोसा वो लेयर है जो हमारी ट्यूबुलर जो है जिसमें डाइजेशन होना है, तो वो जो ल्यूमन बन रही है उसको सराउंड करते हुए जो लेयर प्रेजेंट है उसको म्यूकोसा बोले, ठीक है। अब ये जो है ये फोल्ड के साथ में होगी, स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में इनके अंदर विलाई भी प्रेजेंट होगी। और म्यूकोसा वो लेयर है जिसके अंदर स्टमक के अंदर क्या होती है? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। म्यूकोसा वो लेयर है जिसके अंदर इंटेस्टाइन के अंदर क्या होती है? आपकी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। वहां सब म्यूकोसा लेयर के अंदर भी क्या होती है? कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, जैसे कि ब्रूनर्स ग्लैंड है, वो सब म्यूकोसा लेयर के अंदर हमें देखने को मिलती है, ठीक है, इंटेस्टाइन के अंदर। तो ये हो गई इनकी टीएस सेक्शन यानी कि हिस्टोलॉजी, बाहर से अंदर की तरफ। सीरोसा, मस्कुलरिस, देन म्यूकोसा, सॉरी सब म्यूकोसा एंड देन म्यूकोसा, ये चार लेयरिंग हमें देखने को मिलेगी। चलिए नाउ नेक्स्ट, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर टीएस सेक्शन दिया गया है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है इसी तरीके से। देखिए तो ये आपके क्या है, ये आपकी हम ये बोल रहे हैं कि विलाई है, यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं ये उसके एक्सटेंशन है, बाहर की तरफ निकले हैं। अब देखो इनके अंदर क्या होती है,
आपकी जो है ब्लड वेसल्स जो है उनकी सप्लाई हमें देखने को मिलती है। उसी के साथ में यहाँ पे देखो लिम्फ वेसल्स, लैक्टियल जो होता है ना उसकी भी यहाँ पे देखो एक सप्लाई हमें देखने को मिल रही है। और ये लैक्टियल जो है ये फैट के एब्जॉर्प्शन के लिए और फैट सोल्यूबल विटामिन के एब्जॉर्प्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये याद रखिए, तो लैक्टियल यहाँ पे प्रेजेंट होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर यहाँ पे कुछ क्रिप्ट भी प्रेजेंट होती है, क्रिप्ट ऑफ लिबरकल, ठीक है। और इसी के साथ में नीचे यहाँ पे ब्रूनर ग्लैंड होती है सबम्यूकोसा में, ठीक है। और हमारी जो ये सब आगे सबम्यूकोसा लेयर जो है इसके अंदर पेयर्स पैचेस जो लिम्फ नोड्स जिसको बोलते हैं वो इसमें प्रेजेंट होते हैं। और स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उसमें ब्रूनर ग्लैंड भी हमें देखने को मिलेगी, क्रिप्ट भी मिलेंगे और पेयर्स पैचेस भी मिलेंगे, पिनिप सेल्स भी मिलेंगे, ठीक है। तो ये कुछ सेल्स है जो इसमें प्रेजेंट होती है। तो आपको डायरेक्टली सिर्फ यही चीजें दी गई है एनसीईआरटी में, तो इन तीनों चारों के बारे में पूछा जा सकता है। चलिए डाइजेस्टिव ग्लैंड्स देखिए, डाइजेस्टिव ग्लैंड कौन कौन सी है। डाइजेशन सिस्टम हमारा कंप्लीट हुआ, अभी देखिए थोड़ा इमेजिन करना शुरू करिए। हमारी बॉडी हमारी बकल कैविटी जो है, बकल कैविटी में डाइजेशन होता है, बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन यहीं से स्टार्ट हो जाता है, यानी केमिकल डाइजेशन यहां से स्टार्ट हो जाता है। तो यहां पर सिक्रीट होता है सलाइवा, और वो सलाइवा किसके थ्रू सिक्रीट होता है, सलाइवरी ग्लैंड के थ्रू। तो सलाइवा सेलिवरी ग्लैंड्स, देन ईसोफेगस में किसी तरह का डाइजेशन नहीं है, देन यहाँ पे भूल जाइए किसी भी ग्लैंड के बारे में। देन स्टमक में अगर हम आते हैं तो स्टमक के अंदर प्रेजेंट होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, जो कहाँ प्रेजेंट होती है, स्टमक के म्यूकोसा लेयर के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो वो गैस्ट्रिक जूस वहां सीक्रेट करेगी, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देन स्टमक जो ओपन होता है कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डूडेनम पार्ट में जो हमारा हम ये बोले इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे, उससे पहले आप लोग ध्यान रखो कि वहां पर लीवर भी ओपन होता है, बाइल जो बाइल लेके आता है, और उसके साथ में पैनक्रियाज जो है वो पैनक्रियाज भी वहां ओपन होता है। तो उनके सिक्रीशन के बारे में भी हम पढ़ेंगे, लेकिन पैनक्रियाज जो है वो क्या है, वो ग्लैंड है। तो पैनक्रियाज जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देन लीवर जो है, जो हम बोले सबसे बड़ी ग्लैंड है, लार्जेस्ट ग्लैंड है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये तो तीन तो ग्लैंड हो गई, ठीक है, जो डायरेक्टली हमें नजर आ रही है, सलाइवरी ग्लैंड, लीवर एंड पैनक्रियाज, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसी के साथ में जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है उनके बारे में डिस्कस करेंगे, जो स्टमक में और इंटेस्टाइन में प्रेजेंट जो ग्लैंड्स हैं, क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकुल है और ब्रूनर ग्लैंड्स है या पेयर्स पैचेस है, पिनेट सेल्स है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। वो भी वहां एंजाइम सिक्रेट कर रही है जो वहां पे प्रेजेंट है सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा लेयर के अंदर, ठीक है, तो उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो ये कंप्लीट साइकिल आप याद रखिए। कॉलन के अंदर फिर हम ये बोल रहे हैं वहां किसी तरह का डाइजेशन नहीं हो रहा है, एब्जॉर्प्शन वहां पे होता है कॉलन के अंदर, तो वहां पे भी किसी भी डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। तो ईसोफेगस में भी नहीं करते और कॉलन में भी नहीं करेंगे, ठीक है, बाकी तीनों जगह हम करते हैं, ठीक है। और वो जैसे जैसे ग्लैंड्स आएंगी तो हम उसी के हिसाब से उसको आगे डिस्कस करेंगे। तो अपने दिमाग में इमेजिनेशन पूरी रखिए और जितना पढ़ना है उतना ही डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहले डाइजेस्टिव ग्लैंड कितनी है हमारे पास में, देखिए लीवर है, सलाइवरी ग्लैंड है, पैनक्रियाज है। लीवर को लार्जेस्ट बोल रहे हैं साइज के अंदर, और आप जानते हैं कि इस लीवर जो है उसका उसमें रीजनरेशन कैपेसिटी हमें देखने को मिलती है। लीवर के एक हिस्से को हम ट्रांसप्लांट कर देते हैं, वो पूरा का पूरा लीवर जो होता है उसको बनाने की कैपेसिटी रखता है, ठीक है। बट ये हमारे एनसीईआरटी नहीं देती, तो ये जीके की बात है जिसको आप ध्यान रखिए, वरना अपने माइंड से स्किप कीजिए। सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा रिलीज करती है, और पैनक्रियाज जो है वो दोनों ही चीजें हैं, वो एंडोक्राइन ग्लैंड भी है और एक्सोक्राइन यानी मिक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती है। तो वो हार्मोन भी सिक्रीट करती है, और हार्मोन के साथ साथ में हम ये बोल रहे हैं कि वो एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम जो उनको भी सिक्रीट करती है, ठीक है। तो हार्मोनल पार्ट में तो आपको यहाँ पे सिर्फ हार्मोन के नाम ही याद रखने हैं कि इंसुलिन एंड ग्लूकागोन को वो सिक्रीट कर रही है, फंक्शन के बारे में हमें यहाँ ध्यान नहीं देना है, वो फिर हम जब एंडोक्राइन पढ़ेंगे तो वहां पे पढ़ेंगे, या एक्सोक्राइन पार्ट जो है इसका उसके बारे में ही हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलिए नाउ जो सलाइवरी ग्लैंड्स है वो कितनी होती है, सलाइवरी ग्लैंड्स जो है तीन है, एक है पैरोटिड, दूसरी है सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर, और तीसरी होती है सब लिंगुअल, ठीक है। अब देखो ये तीन ग्लैंड के नाम दिए हैं और कहाँ लोकेटेड है ये आपके एनसीईआरटी ने मेंशन किया है। जैसे कि पैरोटिड ग्लैंड्स है जो चिक्स में बिलो द ईयर जो है वो प्रेजेंट होती है, सब मैक्सिलरी जो है वो लोअर जॉज के अंदर, ठीक है, वो प्रेजेंट है, और सब लिंगुअल टंग के नीचे होती है, ठीक है। अब ये तीनों की आपको पता है, अब इनकी ओपनिंग जो होती है, ठीक है, लोअर इंसिजर्स में होती है, लास्ट हम ये बोलते हैं सेकंड मोलर के अंदर होती है, अपर जॉज के अंदर होती है पैरोटिड की। तो ये इनकी ओपनिंग के बारे में एनसीईआरटी ने नहीं दिया कि कहाँ ओपन हो रही है, और इनकी आप स्टेंसन डक, वॉटसन डक, वॉटन डक जो है इनके डक्ट के जो नेम है वो नेम भी आपके एनसीईआरटी ने नहीं दिए, तो आप उसको स्किप कर दीजिए क्योंकि वो याद रखना इंपॉर्टेंट भी नहीं है और
बेवजह का कंफ्यूजन क्रिएट होगा वो आपके माइंड के अंदर कि कौन सी डक्ट थी। हाँ, डक्ट ऑफ जो हम बोलते हैं ना कि स्फिंक्चर जो है दिए गए, तो स्फिंक्चर जितने भी दिए गए वो आपको याद रखना है। और उसके अलावा जो हिपेटिक डक्ट के बारे में, सिस्टिक डक्ट के बारे में दिया गया है ना, तो वो सब जहां पे डक्ट का नाम मेंशन है वहां पे हमें याद रखना है, यहां नहीं दिया है भूल जाइए। अभी देखिए ये रिलीज करती है, तीनों मिलाकर ही क्या करती है, सलाइवा को रिलीज करती है। सलाइवा जो है उसमें क्या क्या होता है, तो एक तो उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, सोडियम पोटेशियम क्लोराइड है ना, ये बाइकार्बोनेट, तो ये याद रखना है, ये पूछा जा सकता है। उसी के साथ में एंजाइम कौन से, एक तो एमाइलेज होता है और दूसरा होता है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम क्या होता है, जो भी हम बोलते हैं बैक्टीरिया वगैरह अगर हमारे फूड के साथ में चले गए हैं तो ये लाइसोजाइम क्या करता है, उनको किल करने का काम करता है। तो ये एंटी बैक्टीरियल जो है ना एक्टिविटी शो करते हैं लाइसोजाइम। किसके साथ में, थायोसाइनेट सॉल्ट के साथ में, तो ये याद रख सकते हैं लाइसोजाइम के साथ में थायोसाइनेट सॉल्ट के साथ में मिलकर ये एंटीबैक्टीरिया एक्टिविटी शो करते हैं। कोई भी माइक्रोब अगर आ गया है, बैक्टीरिया अगर आ गया है, तो उसको किल करने का काम करेंगे। एमाइलेज जो है वो क्या होता है, वो स्टार्च का यानी कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है। यानी कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहां से स्टार्ट हो गया, हमारी बक्कल कैविटी में, बस इतना ही, स्टॉप, इसके आगे मत पढ़िए, इतना ही जरूरी है। चलिए आगे, उसके बाद में नेक्स्ट जो आ जाता है वो हमारा पास में सलाइवरी ग्लैंड के बाद में आ जाता है लीवर। देखिए लीवर जो है वो हम ये बोलते हैं लार्जेस्ट ग्लैंड है, ये आपके एनसीईआरटी में भी मेंशन है, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है, नाम दे दिए जाए, तो आप इसको याद रखिए, ठीक है। उसके बाद में ये हमारी बॉडी का कितना वेट लेती है, तो वो वेट याद रखना है 1.2 to 1.5 kg, ठीक है, लार्जेस्ट है, साइज देखिए इतना लेती है। इसके अलावा ये प्रेजेंट कहाँ है, तो देखिए डायाफ्राम में अगर यहां बना दूं तो ये डायाफ्राम के नीचे एब्डोमिनल कैविटी जो होती है, ये एब्डोमिनल कैविटी के अंदर जो है प्रेजेंट होता है, ठीक है, डायाफ्राम के नीचे। अब इसके दो लोब्स होते हैं, आपको पता है ये दो लोब में क्या है, एक होगा राइट लोब, दूसरा होगा लेफ्ट लोब। तो देख लीजिए ये यहाँ पे क्या है, दो लोब है, एक है ये रहा हमारे पास में, ये है राइट एंड ये है लेफ्ट, ठीक है, ये हमारे लेफ्ट। चलिए तो ये दो लोब्स इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब देखिए ये जो पूरा के पूरा आपका लीवर है, ये ऊपर से एक हम ये बोलते हैं कि चमकीले ग्लिसंस कैप्सूल से कवर्ड रहता है। तो ग्लिसंस कैप्सूल क्या है, वो लीवर के ऊपर की कवरिंग है, ठीक है, चमकीली होती है, तो उसके बारे में पूछा जा सकता है। तो एक टिश्यू की जो ये कनेक्टिव टिश्यू की जो शीथ है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो ये किसकी बनी है, तो कनेक्टिव टिश्यूज जो होते हैं उसकी शीथ होती है जो उसको चारों तरफ से घेर के रखती है। तो ग्लिसंस कैप्सूल जो है वो लीवर की चारों तरफ ऊपर की एक शीत होती है, ठीक है। इसके अलावा इनके अंदर अगर इसका सेक्शन कट करोगे तो कुछ हेक्सागोनल स्ट्रक्चर हमें इस तरह से हम बनाते हैं, जिसके अंदर क्या होती है, हिपेटोसाइट सेल्स होती हैं, कैनेली क्यूली के थ्रू जो है हम ये बोलते हैं ये एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, लोब्यूल्स सारे के सारे। तो हम ये बोलते हैं कि जो हमारा लीवर है वो कई सारे लोब्यूल से मिलकर बना होता है, जिनके अंदर हिपेटोसाइट सेल्स होती हैं जो एक्चुअल में बाइल फॉर्मेशन का काम करती है, ठीक है। और यहां से फिर निकलती है हिपेटिक डक्ट, ये देखिए ये क्या है आपकी राइट हिपेटिक डक्ट है, ठीक है, और यहां से ये आ रही है लेफ्ट हिपेटिक डक्ट, ये लेफ्ट हिपेटिक डक्ट यहां से आएगी और ये राइट आएगी, जो दोनों मिलकर कॉमन हिपेटिक डक्ट जो है वो बना लेंगे, ठीक है। तो ये जो बाइल यहां पर फॉर्म हो रहा है, जो किससे फॉर्म हो रहा है, हिपेटोसाइट सेल्स जो यहां प्रेजेंट है उनसे ये फॉर्म होता है। तो यहां पर जो एनसीईआरटी ने मेंशन किया कौन फॉर्म करता है, तो लीवर जो है वो फॉर्म करता है बाइल को, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा हिपेटिक सेल्स जो कॉर्ड बनाती है ना, तो वो यहाँ पे हम उसका स्ट्रक्चर भी आप बना सकते हो कि इस तरह से हिपेटिक कॉर्ड जो है ना वो बनती है। तो आप चाहे तो स्ट्रक्चर बनाइए, लेकिन रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि स्ट्रक्चर जो है वो एनसीईआरटी ने तो नहीं दिया है, लेकिन जो चीज दी है उसको हमें ध्यान रखना है। तो ये हिपेटोसाइट सेल्स जो है वो बाइल बनाती है, जो आपकी हम बोलते हैं कि हिपेटिक डक्ट के थ्रू गाल ब्लेडर जो इससे अटैच रहता है लीवर से, वहां पे बाइल को स्टोर करते हैं, ठीक है। तो यहां पर बाइल से, यहां पे गाल ब्लेडर से जो डक्ट निकलती है उसको कौन सी डक्ट बोलते हैं, सिस्टिक डक्ट जो होती है वो बोलते हैं। यानी सिस्टिक डक्ट और आपकी हिपेटिक डक्ट, ये दोनों मिल जाती है आपस में, और आपस में मिलकर ये क्या फॉर्म करती है, दैट ये दोनों मिलकर एक कॉमन बाइल डक्ट जो होती है उसको फॉर्म करती है, ठीक है। यानी कि लीवर से जितना भी बाइल बनेगा वो इसके अंदर गाल ब्लेडर में जो जाकर स्टोर हो जाएगा। अभी गाल ब्लेडर जो होता है ना, ये कौन सी लोब से अटैच रहता है, तो ये ध्यान रखना है ये राइट लोब जो होती है उससे अटैच रहता है, ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बार, ठीक है। तो आपको बस यही ध्यान रखना है लीवर के बारे में कि लीवर लार्जेस्ट है, इसके दो लोब्स होते हैं राइट एंड लेफ्ट, इसके अंदर कई सारे हम ये बोलते हैं लोब्यूल से मिलकर बना है, इसमें हिपेटोसाइट सेल्स होती है जो आपके कोड फॉर्म करती है, ये हिपेटोसाइट सेल्स जो है बाइल फॉर्म करती है, जो हिपेटिक डक्ट के थ्रू गाल ब्लेडर में स्टोर होता है, गाल ब्लेडर की जो डक्ट होती है उसको सिस्टिक डक्ट बोलते हैं, जो हिपेटिक डक्ट के साथ में मिलकर कॉमन बाइल डक्ट को फॉर्म करती है, और ये कॉमन बाइल डक्ट जो है
वो आगे आपकी, ये देखिए ये कॉमन बाइल डक्ट है जो आगे पैनक्रियास की जो डक्ट है, पैनक्रियाटिक डक्ट है, उसके साथ में मिल जाती है और मिलकर फिर एक साथ में क्या है ओपन होती है इस सी शेप डूडेनम के अंदर, ठीक है, यहां आकर डूडेनम पोर्शन में ओपन हो जाती है। तो लीवर के बारे में इतना ही पूछा जाएगा, इससे ज्यादा नहीं। गाल ब्लेडर जो है वो क्या करता है, वो बाइल को स्टोर करता है, बाइल को फॉर्म करने का काम नहीं है, ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। चलिए फिर देन ये यहां पर आकर जो ओपन हो जाएंगे तो यहां एक स्फिंक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं स्फिंक्चर ऑफ ऑडी, ये आपको जरूर याद रखना है, ठीक है। फिर आ जाता है पेनक्रियास, पेनक्रियास आपको पता है ये सी शेप में, मैं यहां बना देती हूँ इसको थोड़ा सा और क्लियर करके कि ये आपका स्फिंक्टर, यहाँ पे ये आपकी कॉमन बाइल डक्ट आ रही है, देन ये हमारी पेनक्रिया से आने वाली पेनक्रियाटिक डक्ट है और इसको लीफ जैसा कुछ बना देती हूँ, ठीक है। तो ये पेनक्रियाज है, तो पेनक्रियाज जो होता है एक्चुअल में ये जो सी शेप डूडेनम वाला हिस्सा है यहां पर ये पेनक्रियाज प्रेजेंट होता है जो पेनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू पेनक्रियाज का जो है पेनक्रियाटिक जूस है उसको रिलीज करता है, किसमें, डूडेनम पार्ट में। ये एक्सोक्राइन भी और एंडोक्राइन भी है, एक्सोक्राइन पोर्शन इसका एंजाइम सिक्रेट करता है और एंडोक्राइन पोर्शन जो होता है वो हार्मोन सिक्रेट करता है, कौन सा, इंसुलिन एंड ग्लूकागोन, जो एक्चुअल में ब्लड के अंदर शुगर के लेवल को मेंटेन रखने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों का फंक्शन जो है वो हम पढ़ेंगे हॉर्मोन्स के हमारे चैप्टर के अंदर, फीडबैक मैकेनिज्म में ये सब पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए यहाँ पे इतना ही हमें क्या करना है, स्टॉप करना है, ठीक है। अभी देखिए वो डक्ट के बारे में ही बताया कि ये दोनों ने मिलकर आपस में, क्योंकि हिपेट ये कॉमन आपकी डक्ट आई है, बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट ने और पैनक्रियाटिक डक्ट ने मिलकर कौन सी डक्ट बनाई है, हिपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट, ये छोटा सा पोर्शन है ना जो दिखाई दे रहा है आपको, ये है हिपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट जो ओपन हो गया डूडेनम में और यहां स्फिंक्टर प्रेजेंट है, स्फिंक्टर ऑफ ऑडी, ठीक है, ऑडी स्फिंक्टर जो होता है वो यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है, इस एरिया में। तो ये स्ट्रक्चर याद रखिए क्योंकि ये एनसीईआरटी ने दिया है तो पूछेंगे। ये गाल ब्लेडर है, गाल ब्लेडर से जो डक्ट निकली है उसको हम क्या बोल रहे हैं, सिस्टिक डक्ट बोल रहे हैं। ये आपकी लीवर से आने वाली दोनों डक्ट है, राइट एंड लेफ्ट डक्ट, जिन्होंने मिलकर बनाई है यहां पर कॉमन हिपेटिक डक्ट। तो हिपेटिक डक्ट एंड सिस्टिक डक्ट ने मिलकर आपस में जो डक्ट बनाई उसको हमने बोला कॉमन बाइल डक्ट, और कॉमन बाइल डक्ट एंड पैनक्रियाटिक डक्ट ने आपस में मिलकर जो डक्ट बनाई उसको हमने क्या बोला, हिपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट, जो ओपन हो गई किसमें, डूडेनम के सी सेक्शन, सी शेप पार्ट के अंदर, क्लियर। चलिए तो ये हुई पैनक्रियाटिक डक्ट, लीवर एंड सलीवरी ग्लैंड्स, ये तीनों ग्लैंड के बारे में इतना ही एनसीईआरटी ने दिया, इससे ज्यादा जानकारी तो लेना चाहो तो आप बहुत कुछ ले सकते हो। अब लीवर तो क्या है, सबसे बिजीएस्ट ऑर्गन होता है, लीवर 500 एक्टिविटीज करता है, कौन कौन सी एक्टिविटीज करता है सब पढ़ डालो जितना पढ़ना है, ठीक है। पैनक्रियास के बारे में भी पढ़ लो, यहाँ एसिनीज प्रेजेंट होती है, फिर वो वहां पर क्या करती है, रिलीज करती है पैनक्रियाटिक जूस को, देन वो सारी की सारी एसिनीज आपस में कनेक्ट होती है छोटी छोटी ना डक्ट्स के थ्रू, एक बड़ी लार्ज डक्ट बनाती है। चाहो तो डिटेल और पढ़ते जाओ, लेकिन वो मतलब नहीं है, जितना सेक्शन पढ़ना चाहिए अभी स्मार्ट स्टडी करो, एक्स्ट्रा भूल जाओ अभी के लिए, नीट अगर सेलेक्ट होना है तो। चलिए नाउ गैस्ट्रिक ग्लैंड कहां प्रेजेंट होगी, स्टमक के अंदर, कौन से एरिया में, म्यूकोसा में, ये चीजें याद रखो ना, छोटी छोटी बातें। अब यहां पर गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर कई तरह की, वैसे तो सेल पढ़ते हो आप अर्जेंटाफिन ये वो, उन सबको भूल जाओ अभी के लिए, याद रखो कितनी तरह की सेल आपको पढ़नी है यहाँ पे, यहाँ तीन तरह की सेल्स है, कौन कौन सी है, एक तो है म्यूकस नेक सेल जो क्या सिक्रेट करती है, म्यूकस, गोबलेट सेल्स होती है ना, गोबलेट सेल्स हम लोगों को पता है, यूनिसेल होती है गोबलेट सेल्स जो म्यूकोसा के अंदर क्या होती है, प्रेजेंट रहती है सब जगह, पूरे ना इंटेस्टाइन के अंदर, पूरे हम ये बोलते हैं हमारे एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, म्यूकोसा के अंदर गोबलेट सेल्स होती है, म्यूकस रिलीज करती है ताकि फूड जो है वो मॉइस्ट रहे और आगे उसका स्वेलोविंग जो है, आगे बढ़ना जो है, मूवमेंट इजी रहे। तो यहाँ पे म्यूकस नेक सेल्स होती है जो म्यूकस रिलीज करती है, वही काम करेगी ये, एक तो दूसरा क्या काम करेगी, स्टमक की जो लेयर्स है उनको प्रोटेक्शन का भी काम करेगी, क्योंकि यहाँ HCl प्रेजेंट होता है, स्टमक में एनवायरमेंट एसिडिक होता है HCl की वजह से, तो म्यूकस वहां पे वो काम भी करेगा, ठीक है। तो थोड़े दिमाग में पिक्चर बनाने के लिए मैं बता देती हूँ। उसके अलावा कौन सी सेल्स है यहाँ पे, पेप्टिक सेल्स है या चीफ सेल्स है, क्वेश्चन पूछ रहे थे चीफ सेल्स क्या सिक्रीट करती है, कौन सा एंजाइम, तो ये पेप्सिनोजन सिक्रीट करती है जो प्रोटीन के डाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। पेप्सिनोजन एक इनएक्टिव कंडीशन है, ये एक्टिवेट होती है बाय द HCl जो कि सिक्रेट होता है बाय द पैराइटल और ऑक्सेंटिक सेल, या तो आप पैराइटल बोलिए या ऑक्सेंटिक सेल बोलिए, एक ही बात है, ठीक है। तो ये पैराइटल सेल या ऑक्सेंटिक सेल क्या क्या रिलीज करती है, ये HCl सिक्रेट करती है और उसके अलावा इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज करती है, कैसा फैक्टर भी बोलते हैं, इंट्रिंसिक फैक्टर जो है विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कई बार क्योंकि एनसीईआरटी ने दिया भी है। सिक्रीट करती है HCl और ये HCl पेप्सिनोजन को
एक्टिवेट करता है, पेप्सिन में कन्वर्ट करता है, देन पेप्सिन जो है वो डाइजेशन करता है प्रोटीन का. स्टमक के अंदर मेन डाइजेशन किसका होता है? प्रोटीन का. कौन से एनवायरमेंट में? एसिडिक एनवायरमेंट में. एनवायरमेंट पीएच कितनी होती है? 1.8 पीएच होती है स्टमक की. क्लियर? चलिए ये देखिए गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है ना, ये वही हमें दिया हुआ है. अब यहाँ पे तो कई तरह की सेल्स आपको दी है, हिस्टामिन सिक्रेट करने वाली सेल्स हिस्टामिन करेंगी, इसके अलावा और क्या क्या चीजें यहाँ पे सिक्रेट हो रही है, इन सब चीजों को भूल जाइए. बस मैं सिर्फ आपको स्ट्रक्चर बताने के लिए डायग्राम लेके आई हूँ कि इस तरह से ट्यूबुलर होती है, क्योंकि रगी प्रेजेंट होती है ना, फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ पर क्या है, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है, ये ट्यूबुलर पोर्शन क्रिएट हो गया, इसीलिए हमने इसको एंडोक्राइन ग्लैंड बोल दिया है, और सॉरी एक्सोक्राइन ग्लैंड बोल दिया, और ये रिलीज कर रही है अपने गैस्ट्रिक जूस को किसके अंदर? स्टमक पोर्शन के अंदर. ठीक है, तो इतना एनसीईआरटी ने दिया है, उतना याद रखिए. तीन सेल्स याद रखिए, चीफ सेल्स मेन सेल्स है, एंजाइम सिक्रीट कर रही है. आप इसको पेप्टिक सेल्स इसीलिए बोल रहे हो क्योंकि प्रोटीन का डाइजेशन हो रहा है, पेप्टिक वर्ड आ रहा है ना, पेप्टाइड बॉन्ड तोड़े गए. पैराइटल सेल्स है ऑक्सिनटिक, एचसीएल एंड कैसल्स फैक्टर, इंट्रिंसिक फैक्टर, एंड म्यूकस नेक्स्ट सेल सिक्रीट करती है म्यूकस को. ठीक है, तो ये आपको याद रखना है इंटेस्टाइन के अंदर. चलिए ग्लैंड्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कौन कौन सी है? पहली आती है ब्रूनर्स ग्लैंड, केवल प्रेजेंट होती है डूडेनम के अंदर, सब म्यूकोसा के अंदर, जिसका काम क्या होता है, ये क्या करती है, म्यूकस रिलीज करती है, म्यूकस रिलीज करती है, और म्यूकस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है ल्यूब्रिकेशन के लिए, है ना, और वो जो HCl एसिडिक आया है तो वो उसको भी क्या करेगी, मीडियम चेंज करने में हेल्प कर देंगी, है ना. उसके अलावा से तो मीडियम चेंज एल्केलाइन मीडियम कर ही देगा, बाइल कर देगा वहां पे. ब्रूनर जो है वो म्यूकस रिलीज करेंगी. चलिए पेयर्स पैचेस जो है ये लिम्फ नोड्स होते हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट है म्यूकोसा पार्ट के अंदर. तो ये जो है आपको पता है फेगोसिटिक नेचर के होते हैं, लिम्फ नोड का काम डिस्ट्रॉय कर देते हैं, हार्मफुल बैक्टीरियाज होते हैं उनको. क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकन जो है ये इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट है, और इसमें पिनिथ सेल्स होती है जो एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी शो करती है. तो सिर्फ क्वेश्चन सीधा इतना ही पूछा जाता है. सक्स एंटेरिकस जो इंटेस्टिनल जूस होता है उसको हम बोलते हैं विद द म्यूकस. चलिए डाइजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन कहां से स्टार्ट हो जाता है फूड का? हमारी बक्कल कैविटी से. बक्कल कैविटी के अंदर क्या होता है, फूड जो है उसकी च्युइंग, हम उसको काटते हैं, चबाते हैं, मेस्टिकेशन, उसको पूरा चबा लेते हैं, उसके साथ में उसमें सलाइवा जो है वो मिक्स हो जाता है. तो सलाइवा जो है उसमें होता है एमाइलेज जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है, यानी केमिकल डाइजेशन भी होता है और हम यहाँ पे मैकेनिकल डाइजेशन है वो भी यहाँ पे हो रहा है. तो डाइजेशन प्रोसेस का मतलब क्या हुआ, मैकेनिकल भी हो सकता है केमिकल भी. मैकेनिकल किसके थ्रू होता है, टीथ के थ्रू होता है, टंग के थ्रू होता है, हमारी लिप्स जो है हेल्प करती है, हेल्प कर सकती है ना, मेन तो टीथ जो है वो ये काम कर लेगी, बाकी आगे पिछले जाने का काम जो है वो टंग कर लेगा. केमिकल प्रोसेस जो है वो हमारी ओरल कैविटी से स्टार्ट हो जाता है. बक्कल कैविटी में वही फूड जो है वो आगे उसका केमिकल डाइजेशन स्टार्ट होगा. नाउ केमिकल डाइजेशन क्या होगा, तो स्टमक सॉरी हमारी बक्कल कैविटी के अंदर स्टार्च जो होता है उसका 30% डाइजेशन होता है. पीएच हमारे सलाइवा की कितनी होती है, 6.8, याद रखिए ऑलमोस्ट 7 के आसपास. सलेवरी एमाइलेज जो होता है कौन सी पीएच पे काम करता है, तो न्यूट्रल पीएच होगी ना, ऑलमोस्ट न्यूट्रल पीएच पे काम करता है, इसको आप टाइलीन भी बोलते हैं. और अगर स्टार्च का डाइजेशन होगा तो आपको डाइसेकेराइड जो है माल्टोज मिलेगा, तो ये उसके ब्रेकडाउन से हमें माल्टोज जो है वो मिलता है. तो ये ब्रेकडाउन वाला तो हम ऐसे भी बायोमोलिक्यूल में सीरीज पढ़ी लेंगे. पॉलीसेकेराइड टूटे तो टूटने से हमें डाइसेकेराइड, मोनोसेकेराइड जो है वो हमें मिलते हैं. मोनोसेकेराइड का फिर फर्दर डाइजेशन नहीं होता, उसी फॉर्म में अब्जॉर्ब कर लेते हैं. वो क्या है, ग्लूकोज है, राइट, ये फ्रक्टोज वगैरह जो है ये क्या है, ये मोनोसेकेराइड है, इस फॉर्म में अब्जॉर्प्शन होगा. तो ग्लूकोज का डाइजेशन, हम स्टार्च का डाइजेशन कैसे पढ़ते हैं कि स्टार्च जो है वो टूटेगा, वो टूटकर माल्टोज बना सकता है, लैक्टोज माल्टोज के अंदर, सुक्रोज के अंदर जो है वो टूट सकता है, देन सुक्रोज एंड माल्टोज टूटकर बनेंगे ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज के अंदर, और लैक्टोज जो आ रही है मिल्क के साथ में वो भी टूटेगा, तो हमें क्या मिलेगा, गैलेक्टोज मिलेगा, ग्लूकोज मिलेगा. तो ग्लूकोज गैलेक्टोज एंड फ्रक्टोज फिर इसी फॉर्म में इनका क्या हो जाता है, एब्जॉर्प्शन हो जाता है, क्योंकि ये मोनोसेकेराइड है. ठीक है, तो ये स्टार्च के एब्जॉर्प्शन के लिए. चलिए नाउ द फूड जो है वो हमारे इसोफेगस में डाइजेशन नहीं होगा, स्टमक के अंदर एंटर करेगा. स्टमक के अंदर क्या होता है, यहाँ टर्निंग मूवमेंट भी होता है, क्योंकि मसल्स है ना सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल और ऑब्लिक्यू मसल्स भी है, पेरिस्टाइलिस मूवमेंट होता है. इसोफेगस में पेरिस्टाइलिस मूवमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन से फूड आगे बढ़ता है. तो वो फूड जो हमारी बक्कल कैविटी से इसोफेगस में आया है और आगे जा रहा है स्टमक में, उसको हम क्या बोलते हैं, बोलस. एंड देन अब स्टमक के अंदर क्या हो जाएगा, जैसे ही फूड आएगा देन अब वहां पे प्रेजेंट जो हमारी हम बोलते हैं ऑक्सिनटिक सेल है वो HCl सिक्रीट करेगी. ठीक है, और वहां पे प्रेजेंट जो हमारी चीफ सेल्स है वो किसको सिक्रीट करेगी, पेप्सिनोजन को सिक्रीट करेगी. यहाँ पे एक चीज आप लोग ध्यान रखिए कि जो बच्चे होते हैं उनके अंदर रेनिन सिक्रीट होता है स्टमक के अंदर. रेनिन जो है वो एक्चुअल में दूध जो होता है ना, दूध की प्रोटीन कैसीन जो होता है ना, उसका हम ये बोलते हैं कि डाइजेशन करने में हेल्पफुल होता है. ठीक है, तो रेनिन जो है ना बड़ा
इंपॉर्टेंट है बच्चों के अंदर, इन्फेंट के अंदर जो है रेनिन सीक्रेट होता है, ठीक है। तो अब देखो गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या आया, म्यूकस आया, बाइकार्बोनेट आयंस आए जो क्या करते हैं, लुब्रिकेशन करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं एपिथीलियम का, HCl से बचाते हैं, ठीक है। थोड़ी क्वांटिटी में लाइपेज भी सीक्रेट होता है, तो स्मॉल क्वांटिटी में फैट का डाइजेशन भी होता है। इसके अलावा वही प्रोटीन के लिए एंजाइम है, पेप्सिन आ रहा है जो प्रोटीन को तोड़ रहा है, किसमें, प्रोटीओज में, पेप्टोन्स में, पेप्टाइड्स के अंदर उसको तोड़ रहा है, ठीक है। प्रोटीन जो है वो जब टूटेंगे, पॉलीपेप्टाइड्स टूटेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, पेप्टोन्स यानी पेप्टाइड्स जो है वो मिलेंगे, ठीक है, प्रोटीओज एंड पेप्टोन्स ही हमें मिलेंगे। चलिए नाउ नेक्स्ट, फिर देखिए ये जो फूड है स्टमक के अंदर जब इसका डाइजेशन हो रहा है, यहां से जो रिलीज हो रहा है, ये आगे एंटर करता है किसके अंदर, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, वहां उसको क्या बोलते हैं, काइम बोलते हैं। अब काइम के ऊपर सबसे पहले काम तो पैनक्रियास करता है अपने पैनक्रियाटिक जूस से, बाइल जो है वो अपना काम करता है, उसकी पीएच को कन्वर्ट करता है, जो 1.8 थी उस पीएच को अब वो एल्केलाइन पीएच में कन्वर्ट करता है। एंड देन जो ट्रिप्सिनोजन सिक्रीट हो रहा है, किसके थ्रू सिक्रीट हो रहा है, पेनक्रियास के थ्रू, वो ट्रिप्सिनोजन वहां पे फंक्शन करेगा, ठीक है। उसके अलावा पेनक्रिएटिक एमाइलेज भी सिक्रीट होता है, लाइपेज भी वहां पे सिक्रीट होता है, फैट भी वहां पे डाइजेशन स्टार्ट होता है। तो स्टार्च का डाइजेशन कहां से स्टार्ट हुआ, बकल कैविटी से। प्रोटीन का डाइजेशन कहां से स्टार्ट हुआ, स्टमक से। और लाइपेज जो है वो भी, फैट का डाइजेशन भी स्टमक से स्टार्ट हो गया, बट ज्यादा जो है वो डाइजेशन कहां होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ड्यूओडेनम में, जिसमें कई रोल प्ले करेंगे, पैनक्रियास भी करेगा, बाइल भी करेगा, एंड देन इंटेस्टाइनल जूस जो है वो भी वहां पे रोल प्ले करेगा। तो इंटेस्टाइन के अंदर देखो क्या क्या रिलीज हो रहा है, एक तो बाइल सिक्रीट हो रहा है, बाइल पिगमेंट लेके आ रहा है, ठीक है। तो बाइल जो है वो क्या करता है, वो इमल्सिफिकेशन करता है, जो फैट आ रहा है उसको छोटे छोटे लोब्यूल्स में तोड़ने का काम करता है। इंटेस्टिनल जूस बाद में करेगा, उससे पहले पैनक्रियास करेगा। पैनक्रियास में क्या क्या आ रहा है, पैनक्रेटिक जूस में एक तो वहां से आ रहा है काइमोट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन अगेन इनएक्टिव फॉर्म है, ट्रिप्सिनोजन जो है उसकी हम ये बोल रहे हैं कि काइमोट्रिप्सिन जो है वो उसकी एक्टिव फॉर्म है। ट्रिप्सिनोजन अगेन ये अब मेन हम बोल रहे हैं कि डाइजेशन के लिए एंजाइम होता है प्रोटीन के लिए, लेकिन ये इनएक्टिव फॉर्म है, एक्टिव फॉर्म इसकी क्या होगी, ट्रिप्सिन। प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज ये जो है इनएक्टिव फॉर्म है, एक्टिव फॉर्म है कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, प्रोटीन के डाइजेशन के लिए तीन हुई। एमाइलेज, लाइपेज एंड न्यूक्लियेज जो है वो डीएनए और आरएनए के डाइजेशन के लिए, ठीक है। तो ये सारे पैनक्रेटिक जूस में प्रेजेंट एंजाइम्स होते हैं जो पहले पहले इनका हम डाइजेशन पढ़ते हैं क्योंकि वहां रिलीज होता है। देन साथ में इंटेस्टिनल जूस यानी जिसको हम सक्स एंटेरिकस कहते हैं वो भी वहां पे डाइजेशन करता है फर्दर आगे का, जिसमें क्या होते हैं, देखिए डाइसेकेराइडेज होते हैं, डाइसेकेराइड्स जो बन के आए हैं माल्टोज वगैरह जो है उनके डाइजेशन के लिए, माल्टेज है ना, सुक्रेज वहां पे एंजाइम्स होते हैं। इसके अलावा डाई पेप्टाइडेज, डाई पेप्टाइड्स होते हैं उनको तोड़ने के लिए, लाइपेज फैट के डाइजेशन के लिए, एंड न्यूक्लियोसाइडेज, न्यूक्लियोसाइड्स जो होते हैं क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियेजेस उसको कन्वर्ट कर देगा, फिर उसके बाद में न्यूक्लियोसाइड जो है वो टूटेंगे ना, और न्यूक्लियोसाइड टूटेंगे तो हमें राइबोज शुगर मिलेगी और नाइट्रोजन बेस जो है ना वो मिलेंगे, तो और फर्दर डाइजेशन के लिए न्यूक्लियोसाइडेज जो है वो वहाँ पे हमें यहाँ पे सक्स एंटेरिकस जो है वो रिलीज करता है, ठीक है। तो ये तीन चीजें जो है वो हमें मिलती है का ड्यूओडेनम पार्ट के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन के, जहां इन तीनों अपने फंक्शन परफॉर्म करते हैं। कैसे करते हैं, तो सबसे पहले तो देखो ट्रिप्सिनोजन जो है वो एक्टिवेट होता है, ट्रिप्सिन के अंदर कन्वर्ट होता है, इसको जो एक्टिवेट करने का काम जो है वो कौन करता है, एंटेरोकाइनेज जो इंटेस्टिनल जूस के अंदर सिक्रेट होता है। तो एंटेरोकाइनेज चूंकि मेंशन हमने वहां नहीं किया क्योंकि डाइजेशन नहीं कर रहा है, बट एक्टिवेशन का काम कर रहा है, ये आप ध्यान रखिए एनसीईआरटी में मेंशन है, पूछा जाता है, ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा, देन ट्रिप्सिन डाइजेशन करेगा किसका, आपके प्रोटीन का। तो देखो ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हुआ, काइमोट्रिप्सिनोजन जो है उसको ट्रिप्सिन जो है वो एक्टिवेट करेगा, एंड देन ट्रिप्सिन प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज है उसको भी क्या करेगा, एक्टिवेट करने का काम करेगा। पर ट्रिप्सिन को एक्टिवेट कौन करता है, एंटेरोकाइनेज, इंपॉर्टेंट है याद रखिए इस चीज को। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर उसके बाद में देखिए प्रोटीन का डाइजेशन हो रहा है कहां पे, अभी देखिए प्रोटीन का डाइजेशन ये पैनक्रियाटिक जूस के थ्रू हो रहा है, तो ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन कार्बोक्सीपेप्टाइडेज डाइपेप्टाइड्स में इनको कन्वर्ट करेंगे। अमाइलेज जो आ रहा है वो स्टार्च जो है, अगर कुछ बच गया है स्टार्च जिसका डाइजेशन याद, क्योंकि 30% ही हो पा रहा है ना, तो बाकी जो स्टार्च जा रहा है वही पॉलीसेकेराइड के फॉर्म में उसका डाइजेशन कर रहा है, अमाइलेज डाइसेकेराइड में कन्वर्ट कर रहा है। इसके अलावा लाइपेज जो है वो फैट का डाइजेशन करके डाइग्लिसराइड या फिर मोनोग्लिसराइड के अंदर कन्वर्ट करता है। अब फैट जो होता है उसका अगर आप समझोगे तो ग्लिसरॉल होता है, ठीक है, तो ग्लिसरॉल जो है ग्लिसरॉल से तीन फैटी एसिड जुड़े रहते हैं ना, तो ये कंडीशन हो गई फैटी एसिड की, तो जब तीन फैटी एसिड जुड़े हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइग्लिसराइड।
एक हट जाएगा तो उसको हम क्या बोल देंगे, ये डाइग्लिसराइड, और एक ही फैटी एसिड लगा हुआ उसको हम बोलेंगे मोनोग्लिसराइड। तो इसी कंडीशन में फैट जब है ट्राइग्लिसराइड फॉर्म में, लाइपेज ने काम किया डाइग्लिसराइड बने, डाइग्लिसराइड से फिर लाइपेज अगर और काम करा तो मोनोग्लिसराइड बने। अब याद रखिए ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड जब हमें मिल जाते हैं उसके आगे डाइजेशन नहीं होता है ना, ये उसकी लास्ट हम बोल सकते हैं फॉर्म है। न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियसेस उस पर काम करेंगे, न्यूक्लियोटाइड्स मिलेंगे, एंड न्यूक्लियोटाइड्स जो है इनका डाइजेशन जब होगा तो न्यूक्लियोसाइड मिलेंगे। तो ये वैसे बायोमोलिक्यूल चैप्टर में आपको और क्लियर हो जाएगा कि न्यूक्लियोसाइड वैसे हमने पढ़ा है ये, तो न्यूक्लियोसाइड कैसे बनते हैं, जब नाइट्रोजन बेस जो है वो जुड़ता है किसके साथ में, राइबोस शुगर के साथ में। न्यूक्लियोटाइड कब बनते हैं, जब उससे फॉस्फेट जुड़ जाता है। एंड देन पॉलीन्यूक्लियोटाइड कब बनते हैं, जब कई सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते हैं। तो न्यूक्लियसेस ब्रेकडाउन इसी सीरीज में फिर क्या करेगा, उल्टा कर देगा। तो एंड में हमें क्या मिलेंगे, न्यूक्लियोसाइड, एंड न्यूक्लियोसाइड का डाइजेशन कौन करेगा, इंटेस्टिनल जूस। अब इंटेस्टिनल जूस से जो रिलीज हो रहे हैं डाइपेप्टाइडेस, डाइपेप्टाइड्स का लास्ट में पूरा डाइजेशन कर दिया और एमिनो एसिड मिलेंगे, इस फॉर्म में इनका एब्जॉर्प्शन होगा। माल्टेज, माल्टोज का डाइजेशन किया ग्लूकोज मिलेगा। लैक्टेज से डाइजेशन हुआ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज मिला। सुक्रोज का डाइजेशन सुक्रेज से हुआ, मिला क्या, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। यानी कि इस फॉर्म के अंदर अब इनका क्या होगा, एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। नाउ लास्ट में यहाँ शुगर एंड बेसिस मिली है तो इस फॉर्म में यहाँ एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। एब्जॉर्प्शन करवाया, ये डाइजेशन करवाया किसने, न्यूक्लियोसाइडेज ने, जो इंटेस्टिनल जूस से रिलीज हो रहा है। लाइपेज ने लास्ट में फैटी एसिड ने ग्लिसरॉल दिया, इसी फॉर्म में इनका क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। और इसके बाद में लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर कोई डाइजेशन नहीं होता है, सीधा एब्जॉर्प्शन हम ये बोले वहां पे जो है मेन वाटर का और जो कुछ ड्रग्स वगैरह होती हैं उन सब का एब्जॉर्प्शन होता है। एंड देन वो जो फूड है अनडाइजेस्टेड फूड है वो रेक्टम के में आता है, वहाँ स्टोर रहता है। एंड देन फिर उसके बाद में एनस के थ्रू बाहर फिकल मटेरियल को बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। अब एब्जॉर्प्शन कहाँ कहाँ हो रहा है वो ध्यान रखिए। पहली बात तो एब्जॉर्प्शन किस किस फॉर्म में होता है, एब्जॉर्प्शन पैसिव भी होता है, एक्टिव भी होता है और फैसिलिटेटेड भी होता है, ठीक है ना। तो नॉर्मली अगर हम बात करें तो नॉर्मल हम ये बोलते हैं सीधा, क्योंकि एक्चुअल में जो हमारी इंटेस्टाइन होती है स्मॉल इंटेस्टाइन वहां पे क्या होता है, माइक्रोविलाइज प्रेजेंट होती है ना, यहाँ पे माइक्रोविलाई ये प्रेजेंट है। यहाँ पे क्या होता है, मेन डाइजेशन होता है, सॉरी अब्सॉर्प्शन होता है फूड का, ठीक है। अब ये फूड का अब्सॉर्प्शन किस फॉर्म में हो रहा है, पैसिवली हो रहा है, तो इसका मतलब विदाउट एटीपी के यूज से हो रहा है। सीधा ही क्या हो रहा है, फूड जो है अब्सॉर्ब हो जा रहा है। यहाँ पे क्या होती है, ब्लड वेसल्स जो है वो फैली रहती हैं, ब्लड वेसल्स के अंदर उसका एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। एक्टिव हो रहा है इसका मतलब एटीपी का यूटिलाइजेशन हो रहा है। एंड फैसिलिटेटेड हो रहा है यानी कि यहां पर कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होती है जिनको हम कैरियर प्रोटीन बोल रहे हैं। वो प्रोटीन क्या करती है, उनको हेल्प करती है एब्जॉर्प्शन के अंदर, क्योंकि यहाँ पर इंटेस्टाइन के अंदर जो हमारी विलाई के अंदर प्रेजेंट जो सेल्स होती है वो उनका मेन क्या करती है, एब्जॉर्प्शन करती है। फैट का एब्जॉर्प्शन लैक्टियल करती है, ठीक है। फैट के साथ फैट सोल्यूबल जो विटामिन होते हैं उनका एब्जॉर्प्शन भी लैक्टियल करती है। एंड देन वो लिम्फ जो है लिम्फ के थ्रू और बाद में मेन स्ट्रीम यानी ब्लड के अंदर जाके मिल जाते हैं, ठीक है। तो देखिए सिंपल डिफ्यूजन किस किस का हो रहा है, सिंपल डिफ्यूजन होता है मोनोसेकेराइड यानी ग्लूकोज का, एमिनो एसिड्स का, ठीक है, और कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स यानी कि क्लोराइड आयन का भी। फैसिलिटेटेड किसका होता है, फैसिलिटेटेड जो है वो हम ये बोलते हैं मेनली जो है कुछ एमिनो एसिड्स का और उसके साथ में फ्रक्टोज का होता है। तो ये पूछ लिया जाता है किसका फैसिलिटेटेड हो रहा है और किसका सिंपल डिफ्यूजन हो रहा है। बट कहां कहां अब्सॉर्प्शन किस किस का हो रहा है उसके लिए चार्ट एनसीईआरटी ने क्लियर कट दिया है, ऐसा ही याद कर लीजिए, इनफ है आप लोगों के लिए। ड्रग्स का देखिए, माउथ में कई ऐसी दवाइयां आपको दी जाती है ना जो टंग के नीचे रखने के लिए दी जाती है, क्यों, क्योंकि दवाइयां जो होती है ना डायरेक्टली एब्जॉर्प्शन हो जाता है, तो उनको जीभ के नीचे से उनका एब्जॉर्प्शन होता है, तो हमारे टंग के नीचे वाले पार्ट में एब्जॉर्प्शन होता है। किसका एब्जॉर्प्शन हो रहा है, देखिए ड्रग्स जो होती है उन ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन जो है वो हमारी बक्कल कैविटी के अंदर हो जाता है। स्टमक के अंदर वाटर का होता है, सिंपल कोई शुगर है उसका होता है, और एल्कोहल का जो है एब्जॉर्प्शन स्टमक के अंदर होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर तो मेजर जितनी भी चीजें हैं चाहे वो कोई भी हम ये बोल रहे पार्ट है, जैसे कि जो भी मोनोसेकेराइड्स हमें मिल गए हैं या फिर जो भी फैटी एसिड ग्लिसरॉल हमें मिले हैं या फिर जो हमें सिंपल हम ये बोल रहे कि न्यूक्लियो मिल रहे हैं नाइट्रोजन बेस मिल रहे हैं राइबोस शुगर जो हमें मिल रही है उन सब का एब्जॉर्प्शन जो है वो हमारे कहाँ होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, यानी ग्लूकोज फ्रक्टोज एमिनो एसिड सब का एब्जॉर्प्शन जो है वो कहाँ पे हो रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है, ठीक है। बट ये याद रखिए ये जो फैट्स होते हैं वो जो लैक्टियल होती है यहाँ से वो लिम्फ वेसल्स जाती है और ये लिम्फ वेसल्स आगे जाने के बाद में ये वापस कहाँ ऊपर हो जाती है ब्लड वेसल्स के अंदर ही, तो यहाँ पर ये क्या करती है मेन स्ट्रीम में वापस रिलीज कर देती है। तो फैट एब्जॉर्ब तो कहाँ होता है लैक्टियल के थ्रू, बट लिम्फ के थ्रू ये वापस मेन स्ट्रीम यानी कि ब्लड जो होता है उसके अंदर आ जाता है, ठीक है, बट एब्जॉर्प्शन लैक्टियल करती है। क्लियर रखिएगा ये चीजें पूछी जाती है। चलिए तो यही है और किस फॉर्म में होता है उसको याद रखिए। फैट जो होता है वो स्मॉल ड्रॉपलेट्स बन जाती है जिनको हम बोलते हैं मिजल्स, ठीक है, और ये जो फ्लैट मिजल्स जो होती है
ये एक्चुअल में प्रोटीन जो होता है ना, प्रोटीन से कोटेड रहती है, तब हम उसको बोलते हैं चाइलोमाइक्रोन। और ये प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोब्यूल्स जो होती हैं, इसमें जो विटामिन हैं, जो फैट सोल्यूबल होते हैं, वो भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। और इसी फॉर्म में ये जो आपका चाइलोमाइक्रोन है, चाइलोमाइक्रोन के फॉर्म में लैक्टियल जो होती है वो इसको क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, तो विलाई के अंदर प्रेजेंट लैक्टियल चाइलोमाइक्रोन के रूप में जो फैट होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। क्लियर। चलिए, कुछ डाइजेशन से रिलेटेड डिसऑर्डर है उनको भी फटाफट से हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि जॉन्डिस। जॉन्डिस एक्चुअल में क्या होता है, बाइल से जो रिलीज, बाइल जो है उससे जो रिलीज पिगमेंट्स होते हैं उनके स्टोर होने से होता है, जिसकी वजह से स्किन और आंखें जो होती है वो पीली पीली हो जाती है। जॉन्डिस बहुत ही फेमस हमें बोल देते हैं कि डिजीज है, जो कि हो जाती है लीवर जब हमारा फंक्शन प्रॉपर नहीं करता उस कंडीशन में। ठीक है, वॉमिट जो है वो एक्चुअल में आपको पता है कि अचानक से आपको कोई फूड आपका डाइजेस्ट नहीं हो पाया है, इस कंडीशन में जो है ये स्टमक जो होता है वो क्या होता है, इरेगुलर हो जाता है, इरिटेट हो जाता है, एंड देन आपका फूड जो है वो वापस से हमारा क्या होता है, बाहर निकल जाता है माउथ के थ्रू। ठीक है, तो ये एक्चुअल में स्टमक के अंदर अगर इन्फेक्शन है, इंटेस्टाइन के अंदर इन्फेक्शन है, डाइजेशन प्रॉपर नहीं हुआ है, या ओवर ईटिंग आपने कर ली है, तो इस कंडीशन में क्या हो जाती है, वॉमिटिंग हो जाती है। डायरिया जो होता है ये भी भाई कोई बैक्टीरियल या वायरल आपके स्टमक में या इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन हो गया, उसकी वजह से बहुत लू जो आप जाते हैं वो बहुत ही पतले थिन जो होता है वो जाता है और बार बार कंटिन्यू होते रहता है उसको। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन जो है वो अगर आप पानी प्रॉपर अमाउंट में नहीं लेते हैं तो फिकल मटीरियल बहुत हार्ड हो जाता है और वो बाहर नहीं, जो हमारा हम बोलते हैं कि उसका मूवमेंट है बाहर पास आउट होना जो है वो थोड़ा सा हम ये बोलते हैं कि बहुत मुश्किल हो जाता है वो। तो ये जो है हमारे, हम ये बोल सकते हैं कि अगर आपने पानी प्रॉपर नहीं पिया है तो उस कंडीशन में ये हो सकता है। ठीक है, और इनडाइजेशन जो है ये एक्चुअल में बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड अगर आप खा लेते हैं तो, या फिर बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग अगर आप कर लेते हो तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, इनडाइजेशन हो जा सकता है। और प्रॉपर क्वांटिटी में अगर एंजाइम सीक्रेट नहीं हुआ तो इस कंडीशन के अंदर भी इनडाइजेशन हो सकता है। ठीक है, तो इनडाइजेशन भी क्या है, हमारी डाइजेशन से रिलेटेड डिजीज है। चलिए, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, प्रोटीन की कमी का हो जाना, अगर आपने जो डाइट ली है उस डाइट में प्रॉपर प्रॉपर अमाउंट में प्रोटीन नहीं है, या फिर बहुत लंबे टाइम तक आपने जो है फूड ही नहीं लिया है, वो फूड नहीं खाया है, तो इसकी वजह से भी आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन जो है उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। तो दो कंडीशन है, या तो डाइट के थ्रू प्रोटीन नहीं गया प्रॉपर अमाउंट में प्रॉपर क्वालिटी का, या फिर बहुत लंबे टाइम तक आपने डाइट ही अच्छी नहीं ली है जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन जो है उसकी कमी हो गई, डेफिशिएंसी डेवलप हो गई है। तो इसको हम बोल रहे हैं प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। सबसे पहले है क्वाशियोरकर। क्वाशियोरकर जो है वो 1 साल से बड़े बच्चों के अंदर होता है, पहली बात तो आप ध्यान रखिए। अब इसमें क्या होता है कि हमारे जो मदर मिल्क होता है वो रिप्लेस कर दिया जाता है। प्रोटीन तो आप लोग उसके अंदर डाइट के थ्रू आप लेते हैं, लेकिन वो हम ये बोलते हैं कि लो प्रोटीन होता है। प्रोटीन लो होने की वजह से प्रोटीन की जो है डेफिशिएंसी जो है डेवलप हो जाती है, बट इसकी वजह से डिजीज क्या होती है, मसल्स वगैरह थिन हो जाती है, लिम्स वगैरह भी थिन हो जाते हैं, बट फैट फिर भी रहता है बॉडी के अंदर, क्योंकि आपने बाहर से प्रोटीन जो लिया है वो आपने प्रॉपर, हम ये बोल सकते हैं कि प्रॉपर प्रोटीन नहीं लिया है, गुड क्वालिटी प्रोटीन आपने नहीं लिया, तो इस वजह से प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है आपकी बॉडी में, तो फैट स्टिल है। भूखे रहने से क्या होता है, पहले फैट खत्म होता है, क्योंकि पहले कार्बोहाइड्रेट जाएगा, फिर फैट जाएगा, एंड देन प्रोटीन भी चला जाएगा। देन वो प्रोटीन डेफिशिएंसी क्यों हुई, क्योंकि भूखे रहने की वजह से हुई, आपने प्रोटीन क्या, आपने फूड ही नहीं लिया है पूरी तरीके से, डाइट ही अच्छे से नहीं लिया है। बट अगर आप अच्छी डाइट में डाइट ले रहे हैं अच्छी, बट उसमें प्रोटीन अच्छा नहीं ले रहे हैं, तो इस कंडीशन में फैट रहेगा बॉडी के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि ब्रेन का डेवलपमेंट भी नहीं होगा, फैट जो होता है स्टिल प्रेजेंट होता है, तो बॉडी जो होती है वो थिन जरूर होती है, लेकिन फिर भी फैट आपका डिपोजिशन कहीं कहीं पे आपको जरूर मिलता है। तो ये आप इसको देख के समझ में आ जाता है कि कहीं कहीं पे स्वेलिंग आपको जरूर मिलती है इसके अंदर। तो ये है क्वाशियोरकर, 1 साल से बड़े बच्चों में होती है। ठीक है, एक होती है मेरेस्मस, जो हम ये बोलते हैं कि छोटे, हम ये बोलते हैं कि 1 साल से छोटे बच्चे के अंदर होती है, जिसके अंदर ये होता है कि मदर मिल्क जो होता है वो भी नहीं मिल रहा है, उसके साथ में इनफ फूड भी नहीं मिल रहा है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर फैट जो होता है वो भी खत्म हो जाता है, प्रोटीन भी उनकी बॉडी से, प्रोटीन की भी उसमें कमी हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, एक्सट्रीम थिन कंडीशन डेवलप हो जाती है, एक्स्ट्रा थिन, ड्राई और रिंकल्ड स्किन हो जाती है, थोड़े बूढ़े जैसी फीलिंग, बूढ़ा जैसी स्किन होती है ना, वैसी बन जाती है, तो उसको हम बोलते हैं मेरेस्मस। तो ये दो डिजीजेस हैं, क्वाशियोरकर एंड मेरेस्मस, जो कि प्रोटीन माल न्यूट्रिशन जो है
उसका हमें बोलते हैं कि उसकी उसकी वजह से होने वाली डिजीज है या प्रोटीन की कमी से होने वाली डिजीजेज है ये, ठीक है। बट दोनों ही डिफरेंट है, एक एक साल से छोटे में हो रही है मेरिस्मस और एक साल से बड़े में हो रही है किस कौन सी क्वाशी और कर। एक साल से छोटा है तो डाइट बिल्कुल ही नहीं गई है, सूखा है, अकाल पड़ी है, ऐसी कंडीशन होती है, तब फैट भी बॉडी में नहीं रहता है क्वाशी और कर की कंडीशन के अंदर, प्रोटीन नहीं है बट फैट स्टिल आपको स्वेलिंग जो है उसकी दिखती है, ठीक है, वो वहां प्रेजेंट होती है। तो ये दो चीजें हैं जो डिफरेंस कर सकते हो आपको, और यही इतना ही है आज के डाइजेशन के टॉपिक के अंदर। अगर आपने इतना पढ़ लिया तो नीट के क्वेश्चन आप कर सकते हैं। चलिए, तो ये है कुछ आपके लिए फॉलो अप क्वेश्चन, अगर आपने पूरा चैप्टर अच्छे से किया तो आप इनके आंसर कर पाएंगे, और इतना ही पूछा जाएगा। डायग्रामेटिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसीलिए हर बार एक डायग्रामेटिक क्वेश्चन हम फॉलो अप में जरूर डालते हैं। चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मुझे इनके क्वेश्चन के आंसर आपको बताने हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। चलिए, नाउ द लास्ट वन, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनके फटाफट से मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में बताएंगे ताकि मुझे समझ में आएगा कि मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो वीडियोस फॉलो कर रहे हैं। और प्लीज एनसीईआरटी से आगे मत पढ़िए क्योंकि अभी आपके पास में टाइम भी नहीं है और इससे ज्यादा कुछ आता भी नहीं है, तो नीट सेलेक्ट करना है तो इतना ही आपको पढ़ना है। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।